तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग द जनरल क्लॉजेस एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, और मैंने ऊपर कार्ड में भी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशंस से शुरुआत की थी, और बच्चों डेफिनेशंस जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अब इस वीडियो में सारे डेफिनेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब जो हमें डेफिनेशन पढ़ना है वो है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो बच्चों जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये जो सारे डेफिनेशंस है ये हमें कब रेफर करना है? अगर कोई सेंट्रल एक्ट में कोई स्पेसिफिक टर्म का डेफिनेशन नहीं दिया है तो हम लोग उस टर्म का मतलब जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है इसका डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया है सेक्शन 3 क्लॉज 23 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? वेरी सिंपल बच्चों, ये एक्ट बोलता है गवर्नमेंट, जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब दोनों भी गवर्नमेंट से होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट नॉर्मली जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो बच्चों गवर्नमेंट जो है वो तीन तरीके से यहाँ पे रोल प्ले करती है, ओके। यहाँ लिखा देखो, गवर्नमेंट जनरली इंक्लूड्स थ्री विंग्स पब्लिक एरियाज। कौन से तीन एरियाज है जहां पे गवर्नमेंट काम करती है? तो यहाँ लिखा देखो, एक है लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है ये वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो अलग से लॉज को बनाने का काम करता है, ठीक है। बच्चों आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, मैंने इसके पहले के वीडियो में ये चीज कवर की थी कि किस तरीके से अपने देश में लॉज को पास किया जाता है, ठीक बात है। बच्चों लॉ को पास अगर करना है तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है, ड्राफ्ट बनता है उसका पहले, तो ठीक है उस पर डिस्कशन किया जाता है, दोनों भी हाउसेस जो है वो अगर एग्री करते हैं और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है या गवर्नर का सिग्नेचर होता है तो लॉ पास होता है। तो ये काम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करता है। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाले अथॉरिटीज, सही बात है। तो बच्चों लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है ये इसकी जिम्मेदारी है लॉज को बनाना, ओके यस। अच्छा दूसरा जो एरिया है डिपार्टमेंट है भी है वो है एग्जीक्यूटिव। अच्छा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है? वेरी सिंपल बच्चों, लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को बनाने का, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इनका काम होगा लॉज जो बने हैं उसे इंप्लीमेंट सही तरीके से करना। इसका मीनिंग क्या, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनका काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो ये चीज चेक करती है कि जो लॉ ऑलरेडी बना है उसको लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी ने लॉ जो ऑलरेडी बना है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, नहीं ओबे कर रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है ना वो यहाँ पे अब इनका रोल रहेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है ये लोग ये चेक करते हैं कि जो लॉज बने हैं वो सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट है जुडिशरी। बच्चों जुडिशरी में जज जो होते हैं ना इनका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो जो लॉ बन गया है और मान के चलो लॉ में अगर इंटरप्रिटेशन में कुछ भी तकलीफ होती है, दो लोगों में झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे झगड़ों को सॉल्व करने का काम ये जुडिशरी डिपार्टमेंट का होगा। तो यहाँ वही लिखा है, फॉर इंटरप्रिटिंग एंड डिस्प्यूट रिजॉल्विंग, ठीक है। कोई भी लॉ का कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर मान के चलो पार्टीज में झगड़े हो गए, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट हम लोग कहाँ सॉल्व करते हैं, कहाँ रिजोल्व करते हैं? ये जुडिशरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ये सारे डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करें, ठीक बात है। तो इस तरीके से बच्चों जब भी लॉ बनता है तो उसके बाद में इंप्लीमेंट करना और लॉ का इंटरप्रिटेशन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होता है। इस तरीके से गवर्नमेंट का काम इन तीन एरियाज में होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो बच्चों गवर्नमेंट का डेफिनेशन आई होप अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। एंड बच्चों मैं इसके पहले के वीडियो में भी ये सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप लोग ये सारी चीजों को खुद के हैंडराइटिंग में एक नोटबुक में नोट करना चाहिए, जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं जो लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बच्चों ये डिफाइन किया है 3 क्लॉज 23 में, ओके। तो यहाँ पे फिर से वही लाइन्स में यहाँ पे उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। शाल मीन सिक्योरिटीज ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं और इंटरेस्ट भी मिलता है। बच्चों नॉर्मली ऐसा माना जाता है, ठीक है, एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर हमने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है तो वो पैसा काफी सेफ और सिक्योर है।
हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसा कैसे भी करके लौटाती है इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज आएंगे। ओके, इसमें एक और खास चीज यहां लिखी है, बट शल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 इंडिया रिपब्लिक हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो पार्ट बी स्टेट्स है, ठीक है, वहां से जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज जो इशू किए वो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस डेफिनेशन में कवर नहीं कर रहे हैं। अ फ्यू एक्सेप्शंस व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट। ठीक है, तो जिस तरीके से डेफिनेशन बना है बच्चों, अपने को लैंग्वेज को चेंज नहीं करना है, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पार्ट बी स्टेट्स क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो मैंने पहले के वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यू कैन रेफर दैट वीडियो अगेन। ठीक बात है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज भी आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज भी आते हैं, बट पार्ट बी स्टेट्स के सिक्योरिटीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले दिए गए थे। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत ईजी ये सारी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन को हम लोग क्विकली देखते हैं क्या लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट जो टर्म है जो डिफाइन किया गया है वो है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, बच्चों हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे कितने बार इम्प्रिजनमेंट ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी एक्ट में इम्प्रिजनमेंट वर्ड आ रहा है और उस एक्ट में इम्प्रिजनमेंट या फिर ऐसे कोई टर्म का डेफिनेशन नहीं, तो हम लोग इस एक्ट से इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इम्प्रिजनमेंट को जेल समझते हैं। ठीक है, बट बच्चों एक्चुअली इसका सही मीनिंग जो है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो रेफरेंस दे रहा है इंडियन पेनल कोड को। ठीक है, यानी कि एज डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 53। इंप्रिजनमेंट का डेफिनेशन इस एक्ट में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया है 3 क्लॉज 27 में, और ये रेफरेंस दे रहा है इंडियन पेनल कोड को। ठीक है, तो जो इंडियन पेनल कोड एग्जैक्टली क्या होता है, देखो अपने कंट्री में जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए अलग से आईपीसी बना है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड बना है। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड इन इटसेल्फ। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बट अभी अपने सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको कि आईपीसी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस कवर करता है सारे। ठीक है, तो इसलिए आईपीसी में बहुत सही तरीके से इम्प्रिजनमेंट ये टर्म को डिफाइन किया है। तो इम्प्रिजनमेंट जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट में किस तरीके से बोला गया, ये लोग सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 53 को। तो आईपीसी का सेक्शन 53 क्या बोलता है वो हम लोग चेक करते हैं। बच्चों आईपीसी का सेक्शन 53 जो है वो बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो या तो रिगरस हो सकता है नहीं तो सिंपल हो सकता है। नाउ रिगरस मतलब क्या और सिंपल मतलब क्या, देखो बच्चों इम्प्रिजनमेंट या तो रिगरस होगा या तो सिंपल होगा। रिगरस में यहां लिखा है हार्ड लेबर। ठीक है बच्चों, आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि कोई पर्सन अगर जेल में है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी की करवाई जा रही है। ठीक है, तो हार्ड लेबर उनसे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर भी इंक्लूड होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब वो पर्सन को सिर्फ जेल हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत बार कोर्ट ऑफ लॉ के मर्जी पे होता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट का कोई सेक्शन में कुछ प्रोविजन अगर लिखा गया है, कहीं है प्रोविजन, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी। यानी देखो कोर्ट हैज इट्स डिस्क्रिशन टू यूज आइदर रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो कोर्ट केस टू केस अपनी डिसीजन ले सकती है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि वो पर्सन ने बहुत ज्यादा गलत काम किया है तो हो सकता है उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे पनिशमेंट जो है सुनवाई जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट डिसाइड करे कि नहीं सिंपल इम्प्रिजनमेंट से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे रिग्रेस एज वेल एज सिंपल दो टाइप के इम्प्रिजनमेंट होते हैं और ये डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 53 में और अपने इस एक्ट में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में सिर्फ उसी कोड का, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 53 का रेफरेंस दिया गया है। ठीक बात है। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। अगला डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो लिखा गया है 3 क्लॉज 26 में। बच्चों पहले आपको एक खास चीज बताता हूं, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप नोट करोगे डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट पहले से मार्क करना। ठीक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्यों? बिकॉज बच्चों बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स हैं जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया उन एक्ट्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई एक्ट में
इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म आता है, डेफिनेशन नहीं दिया अगर वो रेस्पेक्टिव एक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट के इस डेफिनेशन को रेफर करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अलग अलग एक्ट्स में इसका काम आ रहा है। ठीक है, देखते एग्जैक्टली पढ़ के इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या यहाँ पे मीनिंग निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये लिखा है 3 clause 26 में, ये इसी तरीके से मॉड्यूल में ये चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और मैंने वही चीज यहाँ पे रख दी बिकॉज दिस चार्ट विल मेक थिंग्स इजियर। ठीक है, देखते एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है बच्चों यहाँ पे लिखा है 326 में शाल इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। सबसे पहले ये लैंड इंक्लूड कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ये तो सिंपल सी चीज है, जमीन जैसी चीज जो होती है लैंड जो है इट इज ऑफकोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं होती है, कॉमन सेंस राइट। चलो और क्या लिखा है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अच्छा, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड इसमें क्या आएगा। ठीक है बच्चों, देखो जमीन से जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स है वो सब जमीन का ही हिस्सा है और वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, मिट्टी हो गई, वो जमीन की का ही हिस्सा होता है, तो वो भी हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होगा। ठीक बात है बच्चों, इस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड इन्होंने किया है। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, थिंग्स अटैच टू अर्थ। अच्छा, थिंग्स अटैच टू अर्थ इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, अभी इसमें यहाँ ट्रीज लिखा है। ओके बच्चों, देखो ट्रीज को हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों इंक्लूड करें, सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है बच्चों, सिंपल कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएंगे तो ट्रीज जो है वो डेफिनेटली मूव नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रीज जो है वो अर्थ के सरफेस को अटैच होता है। ठीक है, तो वेरी सिंपली अगर सपोज मैं कोई यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ट्री क्या है, ट्री अर्थ के सरफेस को अटैच होता है। ठीक है, ट्री विल नॉट मूव बाई इटसेल्फ जब तक हम उसको कट ना कर दे। ठीक है, तो बच्चों ट्रीज जो है वो अगर हम लोग देखा जाए तो वो मूव नहीं हो रहे, इसलिए अगर मान के चलो ट्रीज का के ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रीज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, तो आंसर इज यस, डेफिनेटली ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, सिर्फ ट्रीज को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे, बल्कि आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलो सपोज कि मेरे को कोई जगह किसी की यूज करनी है जिसपे मैं किसी के ट्रीज को यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो मैंने राइट्स परचेज किए किसी की जगह को यूज करने का, जहां पे मैं किसी के ट्रीज को लीव्स को यूज कर रहा हूं, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर किया जा रहा है। बच्चों पढ़ के देखते हैं यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन, तो हमें धीरे धीरे हर एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है इसको पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रीज ये डेफिनेटली आएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। आगे क्या लिखा है, एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक तेंदू लीव्स, टिम्बर, बैम्बूज, ईटीसी, द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, द राइट टू बिल्ड ऑन एंड ऑक्यूपाई लैंड फॉर बिजनेस पर्पस एंड राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम द ट्रीज दैट ग्रोइंग फर्दर। मतलब बच्चों बेसिकली अगर मान के चलो ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट हो रहा है जिससे मैं लोगों की जमीन परचेस कर रहा हूँ या फिर लोगों की कोई प्लेस परचेस कर रहा हूँ या फिर लोगों से मैं राइट परचेस कर रहा हूँ कि मैं उनके एरिया में उनके ट्रीज को यूज कर सकूं, ठीक है, तो ये सारे चीजों को हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है बच्चों, मान के चलो जमीन मेरी नहीं है, जमीन किसी और की है, ठीक है, और उस जमीन पे मान के चलो कुछ ट्रीज ग्रो हो रहे हैं और मैंने उनसे राइट परचेस किया है कि वो ट्रीज के जो लीव्स है उसको मैं यूज करूं, तो ये भी एक्चुअली इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर किया है। ठीक है, तो वही लिखा, देखो यहाँ पे लिखा राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, झाड़ को ग्रो करने का राइट, ठीक है, अगर मैं किसी से परचेस करता हूँ, किसी और की जमीन है बट मैंने उनसे ये राइट खरीदा कि मैं वहां पे ट्रीज को ग्रो करूं और वहां से ट्रीज से मैं लीव्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकूं, ये राइट को भी ये लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे डेफिनेशन है। ये भी देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट टू कन्वे, कन्वे मतलब ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो अगर मान के चलो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि तेंदू लीव्स हो गए, टिम्बर हो गया, ठीक है, लकड़ी को हम लोग बोलते हैं, ओके, बांबू हो गया, तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग यहाँ पे कन्वे करने का, ट्रांसपोर्ट करने का भी अगर एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने इसको भी कवर किया है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये सारी चीजें जो है वो अर्थ के सरफेस को अटैच्ड है। ठीक है, बांबू भी अर्थ के सरफेस को अटैच्ड ही होता है। ठीक है, ट्रीज अर्थ के सरफेस को अटैच्ड होता है। ठीक है, सॉइल अर्थ के सरफेस को अटैच्ड है, तो इसलिए डेफिनेशन को बहुत बड़े तरीके से हमें इंटरप्रेट करना है, ब्रॉडर सेंस में इंटरप्रेट करना है, सारी चीजें
इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आते हैं. दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. एग्जाम में अगर कुछ केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है. ठीक है, और क्या देखा, थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अर्थ के सर्फेस से नहीं जुड़ी थी बट हमने उसे इस तरीके से जुड़ा दिया है अर्थ के सर्फेस से कि अब वो मूव ही नहीं हो सकती है. एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो यहाँ लिखा है मशीनरी फिक्स टू सॉइल, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स. ये यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखे बच्चों, इसका मीनिंग क्या. देखो अगर मान के चलो मैंने एक मशीन खरीदा, ठीक है, और वो मशीन को मैं फैक्ट्री में इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ कि मैंने उसको अर्थ के सर्फेस पे एकदम अटैच कर दिया. ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि वो मशीन मूव नहीं होना चाहिए इसलिए उसे हम लोग अर्थ के सर्फेस से जोड़ देते हैं. ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करके मान के चलो अगर ऐसा मैं कुछ करता हूँ कि मैं कोई मशीन जो एक्चुअली मूवेबल थी पहले बट मैंने उसे इस तरीके से जुड़ा दिया है अर्थ के सर्फेस से कनेक्ट कर दिया है कि अब वो मूव नहीं हो सकती है. ठीक है, जब तक मैं उसको तोड़ ना दूं. ओके, तो बच्चों अब ये मशीन जो पहले मूवेबल थी बट अब क्योंकि अर्थ के सर्फेस से मैंने इसको अटैच कर दिया है और अब इसलिए ये इमूवेबल हो गई है तो हम लोग इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर करेंगे. ठीक बात है, तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, मशीनरी फिक्स टू सॉइल कॉमा स्टैंडिंग क्रॉप्स. स्टैंडिंग क्रॉप्स भी डेफिनेटली इसी में आएंगे, ये तो एक्चुअली ट्रीज जैसे ही यहाँ पे ऊपर भी कवर हो गए थे. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया. क्या क्या आता है एक बार क्विकली बता रहा हूँ, इसमें लैंड आता है. ठीक है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जमीन से जुड़े हुए सारे बेनिफिट्स इसमें आएंगे. ठीक है बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल बोलता हूँ. मान के चलो जमीन के नीचे सपोज माइन किसी ने बाद में फ्यूचर में अगर मान के चलो कोल माइन या फिर ऐसा कुछ हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे से, वो भी एक्चुअली जमीन का हिस्सा है. सही है, ठीक है, तो जमीन के नीचे मान के चलो गोल्ड माइन हो गई या फिर से कोल माइन हो गई, तो ये सारे चीजें एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है. सही है, जमीन का ही पार्ट है. बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. ओके, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी. थिंग्स परमानेंटली फास्टेड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, मतलब पहले मूवेबल नहीं था मान के चलो बट अब पहले मूवेबल था बट अब मैंने उसको अटैच कर दिया. ठीक है, तो ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में हो रही है कवर. ठीक बात है, तो बच्चों ये डेफिनेशन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट. आपको इस तरीके से ये डेफिनेशन को नोट करना चाहिए अपने नोटबुक में. ओके बच्चों, काफी सारे डेफिनेशन हमने देखे, देखते अब नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा है. यस बच्चों, अगला डेफिनेशन यहां पे जो है, अगला जो टर्म है वो है मंथ. ठीक है, ओके, मंथ को डिफाइन किया गया है 3 clause 35 में. अच्छा बच्चों, मैं एक काम करता हूं, मंथ को और ईयर को साथ में मैं कर रहा हूं. ईयर लिखा है 3 clause 66 में और मंथ लिखा है 3 clause 35 में. ओके बच्चों, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे एक्ट जो है ना वो हमें टाइम फ्रेम बताते हैं. ठीक है, जैसे कि 2 महीने में आपको ये काम करना है, 3 महीने में आपको ये काम करना है. ठीक है, या फिर ईयर का भी बहुत जगह रेफरेंस होता है, 2 साल के अंदर अंदर कंपनी को ये करना चाहिए, 1 साल के अंदर ये करना चाहिए, जो भी. तो अगर कोई भी एक्ट में मंथ या ईयर ये टर्म वहां पे लिखा गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है तो हम लोग डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट से समझेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या करता है बच्चों, जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है मंथ को और ईयर को दोनों को ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से मेजर करता है. ठीक है, अच्छा ब्रिटिश कैलेंडर मतलब क्या, वेरी सिंपल बच्चों, ब्रिटिश कैलेंडर मतलब जो नॉर्मली सारे लोग फॉलो करते हैं, जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के टाइम फ्रेम को 1 साल मानता है. सही है, तो यहां लिखा देखो, शैल मीन अ मंथ रेकन्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. ईयर को भी वैसे ही डिफाइन किया इसलिए मैंने ये दोनों भी साथ में कवर करवाया है. शैल मीन अ ईयर रेकन्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर, तो दोनों भी हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे. अच्छा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो अगर मान के चलो हमें 1 मंथ निकालना है. ठीक है, तो 1 मंथ मतलब कितने डेज होंगे. ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है 1 मंथ मतलब कितने डेज, क्या 1 मंथ मतलब 30 डेज होता है. ठीक है, क्या 1 मंथ मतलब 31 डेज होता है. ठीक है, या 1 मंथ मतलब 29 डेज होता है या 28 डेज होता है. तो इसका आंसर है 1 मंथ जो है वो हम लोग ऐसा कुछ फिक्स दिमाग में रख के नहीं चल सकते. ठीक है, 1 मंथ मतलब 30 डेज, 31 डेज, 29 डेज, 28 डेज ऐसा नहीं होता है. ठीक है, 1 मंथ हमको ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों. मान के चलो सपोज हमें 1 मंथ निकालना है से 20
27 जनवरी से, 27 जनवरी से 1 महीना निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना पता है, अगले महीने का आपको सेम डेट रखना है, ठीक है, 1 महीना, इसे हम लोग कहते हैं अगले महीना, मतलब जनवरी का नेक्स्ट मंथ है फरवरी। तो हम लोग एक महीना कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे एक महीना, अगर 1 महीना बोला गया है तो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से क्या करना है, जनवरी का अगला महीना है फरवरी, तो मेरे को 27 फरवरी पे यहाँ पे अब अगर मैं आता हूं तो मेरा 1 महीना कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 1 महीना के लिए हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे डेट रखना है बट अगले महीने का। तो इस हिसाब से हम लोग मंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 महीना बोलते हैं तो वेरी सिंपल, जनवरी से आपको 2 महीने जोड़ने, मतलब ये हो जाएगा 27 मार्च, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो हर महीने के डेज अलग अलग होते हैं डेफिनेटली, तो हमें डेज को ऐड नहीं करना है, हमें मंथ जब बोला गया है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए कि अगले महीने की तारीख क्या है, या फिर 2 महीने बोले तो हम लोगों को उस हिसाब से ब्रिटिश कैलेंडर को दिमाग में रखते हुए निकालना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों 1 महीना में कितने डेज होंगे ये हम लोग बिल्कुल फिक्स बोल नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि 30 डेज आ रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा आ रहे हैं, या फिर उससे कम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन वेरियस केसेस, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ब्रिटिश कैलेंडर को रेफरेंस मानना है। हाँ बच्चों, देयर इज डिफरेंस बिटवीन 30 डेज एंड 1 महीना। अगर किसी एक्ट में बोला गया कि आपको 30 दिन में करना है वो काम, तो हमें 30 दिन अब एग्जैक्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट अगर लैंग्वेज ऐसा लिखा है कि 1 महीना, तो हमें क्या करना है, हमें अगले महीने का सेम डेट लेना है। सेम चीज आपको कहां काम आएगी पता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, जब भी हम लोग वो मैच्योरिटी डेट निकालते हैं तब हमको ये सारे लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल मायने रखेंगे और ये सारे टर्म्स जो है काम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर को रेफर कर रहे हैं ईयर और मंथ को निकालने के लिए। ईयर तो बहुत ईजी है अगेन, ठीक है, मंथ में अगर कुछ कंफ्यूजन था तो ये मैंने अब होपफुली अवॉइड कर लिया है, ठीक है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज एक्चुअली वेरी इजी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है सेक्शन 3 क्लॉज 36 में, ठीक है। तो बच्चों मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना, ये टर्म को डिफाइन करते समय जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमें सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी जनरल क्लॉजेस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन डिटेल में दिया है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्ट में ज्यादा एफर्ट ही नहीं लिया गया मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। बच्चों आप ऐसा ही लैंग्वेज हर जगह देखोगे, ठीक है। अगर आप कंपनीज एक्ट देख लो, तो कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी को डिटेल में डिफाइन किया गया, और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे भी लिखा गया है मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दो, उसके अलावा हर प्रॉपर्टी को हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि शेयर्स हो गए, शेयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, तो ये मूवेबल में कवर हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेट्स हो गया, मेरे को किसी से पैसा आना बाकी है, वो भी प्रॉपर्टी के तौर पे यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, ठीक है। बच्चों इस तरीके से यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को किया गया है डिफाइन, वेरी वेरी इजी। क्या लिखना है आपको, आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि ये हर एक डिस्क्रिप्शन के प्रॉपर्टी को कवर करेगा एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, उसमें लैंड आएगा, ठीक है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आएगा, उसके बाद में थिंग्स अटैच्ड टू और परमानेंटली फास्टन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आएगा। ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने अभी पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। ओके अच्छा बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको मैं एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं, ठीक है। ओथ को डिफाइन किया है 337 में, ओके अच्छा आपको यहां पे मैं एक सिंपली एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों मैंने आपको अफिडेविट ये टर्म का डेफिनेशन बताया था इसके पहले की वीडियो में, आप लोग इसके पहले का वीडियो बार बार मैं बोल रहा हूं, आप अगर नहीं पता तो आप जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों ये देखो आपको अफिडेविट ये टर्म मैंने आपको बताया था, राइट, मैंने आपको ये क्लू दिया था अफिडेविट टर्म समझाते समय कि बच्चों अफिडेविट जो है ना ये नॉर्मली कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे चीज को बोलते हैं जो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, कि अफिडेविट जो है ना इसको मैंने डिटेल में आपको बताया था, बट बच्चों यहां पे ये जनरल क्लॉजेस है क्या करे पता है, खास चीज है यहां पे, अफिडेविट को मैंने डिटेल में बताया था, अफिडेविट इज इक्वल टू ओथ, इज इक्वल टू स्वेरिंग, ठीक है। बच्चों एक्चुअली स्वेरिंग जो है ना इसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है,
स्वेरिंग मतलब स्वेरिंग जनरली कॉमन पार्लेंस में अगर हम लोग स्वेरिंग ये वर्ड का मतलब निकाले ठीक है, तो हम लोग आए दिन कितने आसानी से कसम ले लेते हैं ठीक है, तो कसम खा के बोल तूने ऐसा किया है क्या, हम लोग अपने दोस्त को कितने बार बोलते हैं ठीक है। तो स्वेरिंग में नॉर्मली क्या होता है, स्वेरिंग में देयर इज नो विटनेस अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग निकाले तो। बट जनरल क्लॉजेस एक्ट थोड़ा अलग तरीके से स्वेरिंग को भी यहाँ पे बता रहा है। तो बच्चों आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंफ्यूजन अवॉइड करते हुए सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने अफिडेविट को सही तरीके से पढ़ा है तो अफिडेविट का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है ओथ का, और वही डेफिनेशन रखा है स्वेरिंग का भी। तो भले ही हम लोग नॉर्मली स्वेरिंग को विदाउट विटनेस मानते हैं, बट यहाँ पे स्वेरिंग का वैसा मीनिंग जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं निकाल रहा है। सिंपली स्पीकिंग ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज अफिडेविट, अगर आपको याद है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अब कि ओथ, अफिडेविट और स्वेरिंग में कुछ भी फर्क नहीं है, ये तीनों भी टर्म्स सेम है जनरल क्लॉजेस एक्ट के हद तक। अदरवाइज स्वेरिंग वर्ड का मीनिंग क्या निकालना है, स्वेरिंग मतलब यू आर डूइंग समथिंग विदाउट विटनेस, यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग विदाउट विटनेस ठीक है। तो स्वेरिंग एक्चुअली नॉर्मली देखा जाए तो ये एविडेंस के तौर पर हम लोग यूज नहीं कर सकते कोर्ट में, बट जनरल क्लॉजेस एक्ट ने क्लैरिफाई किया है कि तीनों भी टर्म को हम लोग सेम मीनिंग देंगे। तो किसी एक्ट में स्वेरिंग ये वर्ड लिखा है या ओथ लिखा है या अफिडेविट लिखा है तो मतलब ये तीनों भी सेम ही है। इन शॉर्ट ये तीनों भी टर्म्स जो है ये ऐसे कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कोर्ट में हम लोग एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ओथ में क्या आएगा, शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, सेम लैंग्वेज है ठीक है। एग्जैक्टली अफिडेविट का भी ऐसी लैंग्वेज था, नोट क्या लिखा है, दो स्वेरिंग इन कॉमन पार्लेंस वुड मीन ओरल प्रॉमिस बट दिस एक्ट हैज सेम मीनिंग टू इट एज ओथ और अफिडेविट, इन शॉर्ट अफिडेविट ओथ और स्वेरिंग को ये एक्ट सेम मान रहा है ठीक है। तो ये एक्ट में तीनों का मीनिंग सेम निकालना है। तो अगर कोई बोलता है तुम्हें डिफाइन करो स्वेरिंग, तो हमें यही डेफिनेशन लिखना है सेम ठीक है। तो बच्चों ये सारे डेफिनेशन सेम है, स्वेरिंग कोई बोलते तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्वेरिंग का डेफिनेशन वैसे ही जैसा अफिडेविट या ओथ का है, फिर दोनों में से कोई भी एक टर्म आपको डिफाइन करना पड़ेगा ठीक है। यस बच्चों ये दिमाग में रखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं यहां क्या लिखा है। यस सो नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफेंस का, वेरी सिंपल बच्चों ऑफेंस मतलब क्या ठीक है। ऑफेंस नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते हैं ये टर्म तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, वही यहां पे लिखा है ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट और ओमिशन, या तो आपने कुछ गलत काम किया है या फिर जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है, आप ओमिट कर रहे हो कोई चीज को करने से, आप अगर आप रिफ्रेन करते हो भूल गए हो तो आपको यहाँ पे ऑफेंस जो है ये टर्म में ये डेफिनेशन में कवर किया जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर एनी लॉ, ऐसी कोई हरकत आप कर रहे हो जो पनिशेबल है या फिर ऐसा कुछ काम आपने करना चाहिए था बट आपने नहीं किया है जो पनिशेबल है, इसको हम लोग ऑफेंस में कवर करते हैं, वेरी वेरी सिंपल ठीक है ओके। तो बच्चों ऑफेंस का डेफिनेशन 3 clause 38 में लिखा है। डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना बच्चों चार्ट से बहुत आसान लगता है ठीक है, बहुत इजीली हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन क्विकली पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं अगर आप चार्ट ड्रॉ करते हो तो, खुद के हैंड राइटिंग में लिखते हो तो ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग क्या लिखा देखते हैं ओके। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफिशियल गजट ठीक है। ऑफिशियल गजट एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, ये देखो ऑफिशियल गजट जो होता है ना ठीक है, ये गवर्नमेंट का तरीका है लोगों को पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी देने का ठीक बात है। सिंपली स्पीकिंग बच्चों देखो एग्जैक्टली क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेगी, तो आंसर है ऑफिशियल गजट से। इसका मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, अगर मान के चलो कोई लॉ में कुछ अमेंडमेंट आ गया, कुछ चेंजेस आ गए ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चीज लोगों तक कैसे पहुंचाएगी, वेरी इजी, ऑफिशियल गजट जो है वो पब्लिश करती है और ये पब्लिक डोमेन में होता है। पब्लिक डोमेन मतलब कोई भी आसानी से इसको एक्सेस करके पढ़ सकता है और समझ सकता है कि कौन से लॉ में कैसे चेंजेस आए ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है ऑफिशियल गजट शैल मीन द गजट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट, मतलब द गजट ऑफ इंडिया मतलब मान के चलो कोई सेंट्रल लॉ में, कोई सेंट्रल एक्ट में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में इसको पुट करेगी ठीक है, जिससे लोगों तक ये चीज पहुंचेगी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए ठीक है। और द ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट ठीक है, यानी कि मान के चलो कोई स्टेट का लॉ है जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए, तो ये लोगों को कैसे समझ में आएगा, वेरी इजी, ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट वो पढ़ेंगे तो उन्हें ये जानकारी मिलेगी कि इस लॉ में ये सारे चेंजेस इस तारीख से एप्लीकेबल है
ठीक है, तो गजट में डेट भी लिखी जाती है कि कौन से तारीख से वो जो लॉ के जो अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑफिशियल गजट, ओके। इसको हम लोग भारत का राजपत्र भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जिससे हम लोगों को समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट में कौन से कानून में क्या क्या चेंजेस किए, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला डेफिनेशन, यस। सो द नेक्स्ट टर्म इज पर्सन, जो डिफाइन किया गया है 3 clause 42 में। तो ये बच्चों ये भी बहुत इजी है, ठीक है। देखते हैं यहां पे एग्जैक्टली क्या लिखा, ओके। पर्सन में क्या लिखा है, शाल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बच्चों आप लोग ये देख सकते हो कि पर्सन जो है ना, जब भी ये वर्ड आता है, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है। पर्सन में सिर्फ कंपनी आती है ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी एसोसिएशन आ सकता है, एओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब हम जैसे लोग, ह्यूमन बींग्स, इनका अगर कोई बॉडी फॉर्म कर रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशन है पर्सन का, ठीक है, या फिर जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठीक है, एनी कंपनी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है कि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी चलेगा, वो भी पर्सन में आएगा। इनकॉर्पोरेट करना मतलब रजिस्टर करना, ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है तो भी हम लोग वो स्पेसिफिक एंटिटी को पर्सन के डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। तो बच्चों पर्सन में कंपनी आएगी सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, पर्सन में कंपनी भी आएगी, कोई एसोसिएशन भी आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हम लोग, इनकॉर्पोरेट नहीं किया है तो भी हम लोग इसे पर्सन में कवर करेंगे, ठीक है। तो पर्सन का डेफिनेशन बड़ा ही आपको दिमाग रखना है, ओके। बच्चों आप लोग बहुत बार देखोगे कि इनकम टैक्स एक्ट में भी पर्सन वर्ड लिखा है, बट इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हम लोग वो डेफिनेशन जो है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट का उस एक्ट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उस एक्ट में डेफिनेशन दिया है। बट अगर कोई एक्ट में पर्सन का डेफिनेशन नहीं दिया है तो हम लोग पर्सन ये वर्ड को इस एक्ट से, जनरल क्लॉजेस एक्ट से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगले टर्म पे आते हैं, देखते क्या लिखा है। यस, सो बच्चों नेक्स्ट टर्म जो यहां लिखा है वो है रजिस्टर्ड। वेरी इजी, ठीक है। रजिस्टर्ड लिखा है 2 clause 49 में। बच्चों रजिस्टर्ड मतलब क्या, वेरी सिंपल। रजिस्टर्ड मतलब कोई लॉ में अगर कोई चीज को हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, कोई अथॉरिटी को अगर हमने एज एन एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट जमा किया है, ठीक है, तो हम लोग रजिस्टर्ड वर्ड को यूज करते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपने कितने बार ऐसा पढ़ा होगा बच्चों कंपनीज एक्ट में कि हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास जाके जमा करने हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर्ड वर्ड का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होगा, रजिस्टर्ड मतलब हम लोगों ने कोई एक्ट के तहत कोई डॉक्यूमेंट को जमा किया है एज एन एविडेंस, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड, इसका ऐसा मीनिंग निकलता है। देखते हैं यहां पे इस एक्ट में इसको किस तरीके से, किस स्टाइल में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यूज्ड विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट, देखो हम लोग डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, यस। शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरी सिंपल। तो बच्चों दो कीवर्ड्स है, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को इंडिया के किसी लॉ में अगर रजिस्टर करते हैं तो हम लोग रजिस्टर्ड वर्ड यूज करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, ठीक है, कोई फॉर्म है, कोई रजिस्टर है, जिसे हम लोग क्या करें, हम लोग अलग से जमा करें कोई एक्ट में, कोई लॉ में, तो हम लोग ये रजिस्टर्ड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कितने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो एनुअल रिटर्न, ये क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया कंपनीज एक्ट में, ठीक है। और लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न को अगर मैं कंपनीज एक्ट में आरओसी के पास जमा करता हूं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर हो गया, सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो आपको कीवर्ड्स दिमाग में रखना है, डेफिनेशन आप खुद के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट द थिंग इज मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आके पूछते हैं, सर हम लोग क्या खुद के हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता है, मर्डर कर देते हैं यार, लैंग्वेज पूरा ही चेंज हो जाता है, मीनिंग कुछ और ही निकलता है। इसलिए मैं नॉर्मली सजेशन देता हूं कि डेफिनेशन के हद तक आप लोग रिस्क मत लो, ठीक है, जितना हो सके सेम लैंग्वेज लिखो। अगर लैंग्वेज चेंज भी होती है तो इतना भी चेंज मत कर दो कि उसका मीनिंग कुछ और ही निकले, ठीक है। तो इसलिए सजेशन दिया जाता है कि जैसा का वैसा लिखने की आपको कोशिश करनी चाहिए,
ओके बच्चों, आगे देखते हैं और कौन से टर्म को डिफाइन किया यहाँ पे। यस, तो अगला टर्म यहाँ पे है रूल। ठीक है, देखते एग्जैक्टली रूल का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल रहा है। रूल को डिफाइन किया गया है 3 Clause 51 में। ठीक है बच्चों, रूल रेगुलेशन से मैं कंपेयर करता हूँ बहुत बार। देखते हैं यहाँ एग्जैक्टली क्या लिखा है। शाल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनैक्टमेंट, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी एनैक्टमेंट में, कोई भी एक्ट में, कोई प्रोविजन के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को, कोई पर्टिकुलर यू नो पर्सन को ऑथोराइजेशन दिया जाता है, पावर दिया जाता है कि वो रूल्स बनाए। जैसे कि आप लोग देखते हो कंपनीज एक्ट में बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स दिए गए कि वो रूल्स बनाए कोई प्रोविजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा, रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनैक्टमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एनैक्टमेंट में कंपनीज एक्ट का, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो कंपनीज एक्ट के लिए रूल्स बनाए। ठीक है, एंड शैल इंक्लूड रेगुलेशन। बच्चों रूल्स और रेगुलेशन में हल्का सा फर्क है, वैसे नॉर्मली हम लोग इनको एकदम सिमिलर ही यहाँ पे ये साउंड करता है और हम लोग लिखते भी वैसे ही साथ में, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है, देखो रूल्स मतलब क्या, रूल्स मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन को समझने का जो रास्ता होता है वो रूल्स के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, बट वो सेक्शन को सही तरीके से समझना है हमें कि कैसे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग रूल्स जो है वो बनाते हैं और रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, रेगुलेशन में बहुत बार, ठीक है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो रेगुलेट करती है, देखती है कि सच में ये सही तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो वो रेगुलेशन वाला पार्ट। नॉर्मली हम लोग रूल्स और रेगुलेशन को एक साथ ही एक ही लेवल पे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा है कि रूल्स जो है ना इसमें रेगुलेशन को भी हम लोग इंक्लूड करें रूल्स के डेफिनेशन में। ओके, ठीक है बच्चों, जैसे कि सेबी हो गया, यहाँ पे रेगुलेशन के लिए मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, सेबी हो गया या फिर आरबीआई हो गया। ठीक है, ये लोग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ये रेगुलेट करते हैं बहुत सारी चीजों को, देखते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है क्या, कहीं कुछ गलत होता है तो फिर सेबी या आरबीआई आ जाएगी और ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज करेगी। ठीक बात है, तो रेगुलेशन जो है वो इस तरीके से ड्राफ्ट होते हैं। ओके, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो डेफिनेशन जो है ना, मैं यहाँ पे आपको साथ में बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या क्या लिखा है, एक लिखा है शेड्यूल, दूसरा लिखा है सेक्शन और एक है सब सेक्शन। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, बट डेफिनेशन के अलावा आपको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, शेड्यूल, सेक्शन एंड सबसेक्शन, ये क्या होता है। बच्चों शेड्यूल क्या होता है, देखो बहुत बार कोई एक्ट में हम लोगों के पास कोई शेड्यूल का रेफरेंस हमें दिया जाता है। शेड्यूल एग्जैक्टली क्या होता है, शेड्यूल हम लोग लिस्ट को बोलते हैं। ठीक बात है, जैसे कि अगर आपने CSR का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपने CSR का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों ये आपको पॉइंट तभी समझ में आएगा अगर आपने कंपनीज एक्ट का CSR का सेक्शन पढ़ा है तो। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा जब आपने CSR का पॉइंट कंप्लीट किया तो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये बच्चों की CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट वाली कंपनीज है, ठीक है, जो CSR के लिए एलिजिबल है, इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा CSR के एक्टिविटीज पे खर्च करना है। कौन से एक्टिविटीज CSR में कवर होंगे, तो ये इसका शेड्यूल जो है उसमें इसका लिस्ट दिया गया है एक्टिविटीज का। ठीक है, तो शेड्यूल एग्जैक्टली क्या होता है, शेड्यूल मतलब बच्चों कोई चीज का लिस्ट अगर बनाया जाता है, कोई फॉर्मेट होता है, तो हम लोग उसको शेड्यूल ये वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। शेड्यूल इज नथिंग बट अ लिस्ट और अ फॉर्मेट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट या फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन हम लोग एंड में पढ़ेंगे बच्चों, मैं पहले आपको ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ इस हिसाब से कि आपको एटलीस्ट समझ में आए एग्जैक्टली इसका मीनिंग रियल सेंस में क्या है। ठीक है, सेक्शन क्या होता है और सब सेक्शन क्या होता है, वेरी इजी। ठीक है बच्चों, सेक्शन जो होता है ना वो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ठीक है, लॉ में कोई पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए अलग सेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस हिसाब से लॉ का छोटा पार्ट जो है वो सेक्शन होता है। सेक्शन जो है वो हर एक प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है लॉ को। ठीक है, और बच्चों ये सबसेक्शन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सबसेक्शन को गलत तरीके से पढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो सबसेक्शन जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो। अगर मान के चलो एक ही सेक्शन है, एक ही प्रोविजन है, ठीक है, बट वो प्रोविजन को हम अलग अलग हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं तो वो हर छोटे पार्ट को हम लोग सबसेक्शन का नाम देंगे। आपको मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसेक्शन इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है, मतलब सबसेक्शन और सेक्शन जो है ये कनेक्टेड होता है, कनेक्शन जरूरी है, ठीक है, बट जब कनेक्शन नहीं होता है तब यही सबसेक्शन क्लॉज बन जाता है। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे को पता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल बच्चों में यहां पर रख रहा हूं सेक्शन टू का, कंपनीज एक्ट, सेक्शन टू ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपने सेक्शन टू देखा है कंपनीज एक्ट का, तो उसमें ना बहुत सारे डेफिनेशन दिए, ठीक है, सेक्शन टू इज फॉर डेफिनेशन, राइट, ठीक है। जैसे कि देखो 212 ऐसे बहुत सारे, 290 के ऊपर जाता है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेस है। प्लीज ध्यान से सुनना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर से 220 ये इसमें कंपनी का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, नाउ हाउ विल यू रीड दिस थिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो इसको पढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 20, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज नॉट 2 सबसेक्शन 20, ये सबसेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों सबसेक्शन हम लोग किसे कहते हैं, सबसेक्शन वो चीज होती है जो सेक्शन से कनेक्टेड है, जो सेक्शन की बात को और अलग तरीके से बता रहा है, दैट इज सबसेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो एक सेक्शन जो है, एक प्रोविजन जो है वो बन गया है, और उसके अलग अलग पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो वो सबसेक्शन कहलाया जाएगा। अब देखो आपको एक सिंपल चीज बता दो बच्चों, 220 में लिखा है कंपनी का डेफिनेशन, ठीक बात है, अच्छा। अभी आपको एक चीज और मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, 268 में प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, राइट। अब देखो यहां पे 220 का 268 से कुछ लेना देना ही नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कोई भी यहां पे डेफिनेशन का एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है, ठीक बात है। कंपनी के डेफिनेशन का प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 220 इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद 268, ठीक बात है। तो अगर ये दो कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्लॉज कहेंगे, नॉट सबसेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसेक्शन जब भी हम लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट है, इनमें कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पे जो वर्ड यूज करेंगे ना वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो है बच्चों वो एक अलग यूनिक चीज होती है, ठीक है। जैसे कि 220 अलग है, 221 अलग है, 222 अलग है, 25 अलग है, 26 अलग है, ठीक है। जैसे कि 25 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखा है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंपनी का डेफिनेशन से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग 25 को हम लोग कैसे बोलेंगे, नॉट 2 सबसेक्शन 5 बट 2 क्लॉज 5। सबसेक्शन कब यूज करना है? जब सारे सबसेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कॉमन चीज बता रहे हैं, ठीक बात है। Yes, तो आपको ये चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 73 डिपॉजिट का ले लो आप, उसमें बहुत सारे अलग अलग सबसेक्शंस दिए, बिकॉज दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड, इसलिए हम लोग सबसेक्शन ये वर्ड यूज करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे शेड्यूल, सेक्शन, सबसेक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये वर्ड्स समझ में आए, बट इसका डेफिनेशन बहुत अजीब लिखा है। क्या लिखा है डेफिनेशन, पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? शेड्यूल शैल मीन अ शेड्यूल टू एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स, मतलब शेड्यूल जो है बच्चों ये कोई एक्ट का शेड्यूल हो सकता है, रेगुलेशन का शेड्यूल हो सकता है। वैसे सेक्शन को भी डिफाइन किया है, सेक्शन मतलब कोई एक्ट का सेक्शन हो सकता है या कोई रेगुलेशन का सेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लिखा है सबसेक्शन मतलब कोई एक्ट का या फिर कोई रेगुलेशन का सबसेक्शन हो सकता है। बच्चों ये देखो इस तरीके से अपने को लर्न तो करना चाहिए और ऐसा ही लिखना चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता है कि ये जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैंने आपको मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन किया है कि ये तीनों भी टर्म्स में कैसा फर्क है, कैसा डिफरेंस है, ठीक बात है। अच्छा बच्चों एग्जाम में आपको यही लिखना है, एग्जाम में प्लीज शेड्यूल को लिस्ट या फॉर्मेट ये मत लिखो, दिस विल बी द रॉन्ग डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है ये पॉइंट, ओके। राइटिंग, तो बच्चों ये नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ लिखा है राइटिंग,
ठीक है, दिस इज गिवन इन थ्री. नाउ दिस इज नॉट सबसेक्शन, दिस इज क्लॉज, अगेन थ्री क्लॉज 65. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो इनका कुछ भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं, सबसेक्शन का राइटिंग से कुछ लिंक ही नहीं है. दीज आर वेरी डिफरेंट पॉइंट्स. तो अभी मैं क्या बोलूंगा इसको, सबसेक्शन या क्लॉज? आंसर इज क्लॉज. सो दिस इज थ्री क्लॉज 65, नॉट सबसेक्शन. ठीक है, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस एनफ. आगे देखते बच्चों क्या लिखा है. राइटिंग इंक्लूड्स लिथोग्राफी. अच्छा ये क्या है लिथोग्राफी, ये भी बता दो. बच्चों लिथोग्राफी जो है ना, ये एक तरीका है जिससे हम लोग प्रिंटिंग करते हैं. ठीक है, नॉर्मली स्टोन प्रिंटिंग जो है ना वो लिथोग्राफी से हम लोग करते हैं. एक अलग तरीका, एक मशीन होता है उसका लिथोग्राफी का, जिससे हम लोग प्रिंट करते हैं. ठीक है बच्चों, लिथोग्राफी जिससे हम लोग कोई यूनिक चीज को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिजाइन को प्रिंट कर रहे हैं, ओके, स्टोन पे या फिर कोई दूसरी चीज पे, ये राइटिंग का एक पार्ट है. अच्छा और क्या लिखा है, फोटोग्राफी. बच्चों फोटोग्राफी भी राइटिंग में आता है. बहुत बार लिखा जाता है ना, दिस मस्ट बीन राइटिंग, कोई एक्ट में लिख दिया, मान के चलो कि ये चीज राइटिंग में होना चाहिए. राइटिंग मतलब क्या, राइटिंग में फोटोग्राफी भी आता है, लिथोग्राफी भी आता है, इसमें प्रिंटिंग भी आता है. ठीक है, अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म. कोई भी तरीके से अगर हम लोग कोई भी चीज को अगर दिखाते हैं जिससे हमको विजिबल हो कि वो चीज किस तरीके से बनी है, ठीक है, तो ये हम लोग राइटिंग में इंक्लूड करेंगे. लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग या फिर और भी कोई दूसरा मोड, ये सब राइटिंग में ही आएगा. ठीक है ओके. तो बच्चों ये ईमेल को भी हम लोग राइटिंग में कवर करते हैं, ये अदर मोड्स में, मैं वो भी बता रहा हूं आपको. ठीक है, मान के चलो कंपनी को बोला गया कि आप नोटिस राइटिंग में भेजो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी ये भेजा जा सकता है. ठीक है, ये भी राइटिंग का ही पार्ट है बच्चों. ठीक है, दिस इज एज पर जनरल क्लॉजेस. ठीक है, तो लिथोग्राफी, ठीक है, यानी कि स्टोन पे प्रिंटिंग करते हैं हम लोग अलग मशीन से. फोटोग्राफी सबको पता है. प्रिंटिंग, नॉर्मल प्रिंट आउट देना हार्ड कॉपी, या फिर अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्लिक रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग करेंगे तो राइटिंग में ही माना जाएगा. ठीक बात है ओके बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला डेफिनेशन हमें कौन सा पढ़ना है. ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और वो है इंडियन लॉ का. ठीक है, तो इंडियन लॉ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 29 में. ठीक है, तो बच्चों बहुत बड़ा टर्म होता है इंडियन लॉ. जब भी हम लोग इंडियन लॉ ये वर्ड कोई एक्ट में देखते तो उसमें उसका मीनिंग किस तरीके से निकाला गया है जनरल क्लॉज एक्ट में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है. शाल इंक्लूड एनी एक्ट, ठीक है, और ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर, इतने सारे टर्म्स इंडियन लॉ में कवर होते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्ट का मीनिंग क्या है. बच्चों एक्ट बहुत सिंपल है, एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्ट बोलते हैं, राइट. तो यहाँ वही लिखा है पास्ड इन लेजिस्लेशन. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया है. ठीक है, तो ऐसे जितने भी एक्ट जो पास हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है लेजिस्लेशन में जो पास होते हैं, ये सब एक्ट के डेफिनेशन में कवर होता है. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, राइट. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इंडियन लॉ में ऑर्डिनेंस को भी कवर किया गया. अच्छा बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड एन ऑर्डिनेंस. क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखो ऑर्डिनेंस जो होता है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेम्पररीली हम लोग पास करते हैं. ठीक है, यहाँ लिखा देखो इसका डिस्क्रिप्शन, पास बाय अथॉरिटीज व्हेन पार्लियामेंट इज क्लोज्ड. इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो क्या होता है, पार्लियामेंट का परमिशन हम लोग बहुत बार हो सकता है कि बाद में ले, और अभी हम लोग फिलहाल टेम्पररी पर्पज के लिए कोई कानून को हम लोग अगर पास करते हैं और बाद में परमिशन लिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डिनेंस का नाम देते हैं. ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, प्रोविजनल बेसिस पे कोई लॉ अगर हम लोग पास करते हैं, कोई प्रोविजन अगर हम लोग पास करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ऑर्डिनेंस जो है इसकी मदद लेते हैं. तो वही लिखा है, पास बाय अथॉरिटीज व्हेन पार्लियामेंट इज क्लोज्ड. तो ये टेम्पररी पर्पज के लिए हम लोग अगर मान के चलो ऑर्डिनेंस टेम्पररी होते हैं, बिकॉज बेसिकली ऑर्डिनेंस को हमको और आगे जो है वो पिक्चर में लाने के लिए हमें पार्लियामेंट का परमिशन बाद में लेना बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ वही लिखा है, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज लेटर ऑब्टेंड. ठीक बात है, तो बच्चों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस. ठीक बात है, तो ऑर्डिनेंस जो है इसको हमें बाद में अप्रूवल से यहाँ पे ये कंफर्म करना पड़ेगा, राइट. पार्लियामेंट का अप्रूवल हम लोग बाद में लेते हैं. दिस इज समथिंग विच विल नॉट हैपन इन केस ऑफ एक्ट. एक्ट में हम लोग तुरंत तभी के तभी पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लेते हैं. ठीक बात है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, और ये दोनों भी इंडियन लॉ का हिस्सा है. ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है, बायलॉ. ठीक है बच्चों, बायलॉज हम लोग किसको बोलते हैं, वेरी सिंपल, बायलॉज जो होते हैं ना, ठीक है, ये लोकल अथॉरिटीज पास करते हैं. जैसे कि हो सकता है कि से म्युनिसिपल लॉज बन गए, ओके, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी ने लॉ पास किया जो स्पेसिफिक एरिया के हद तक ही लिमिटेड है,
राइट। तो बच्चों ऐसे लॉज को भी हम लोग इंडियन लॉ में कवर कर रहे हैं। तो बायलॉज जो एक्चुअली सेंट्रल या स्टेट लेवल पे पास नहीं होते, बल्कि ये कोई छोटे से प्लेस को एप्लीकेबल होता है। तो ये बायलॉज जो है, जो लोकल अथॉरिटीज बनाती है, ये भी इंडियन लॉ का हिस्सा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एक्ट आता है, ऑर्डिनेंस आता है जो टेम्पररी पर्पज के लिए पास होता है और बाद में हम लोग पार्लियामेंट का अप्रूवल बाद में लेते हैं, ठीक है, और बायलॉ जो लोकल अथॉरिटीज बनाते हैं जो सीमित दायरे में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक बात है, और इसमें क्या आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बच्चों ये तो हमने अलग से सीखा है, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये क्यों हम लोग करते हैं पास, तो इसका रीजन ये है कि ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग अच्छे से कोई भी एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सके। सही है, तो कोई भी प्रोविजन अगर बन गया कोई लॉ में, तो उसको अच्छे से समझने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े बच्चों, तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक्ट के हिस्से में हम लोग रूल और रेगुलेशन को कवर करते हैं बेसिकली, और रूल और रेगुलेशन इंडियन लॉ का पार्ट है। ठीक बात है, और लास्ट लिखा है यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ये वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, ऑर्डर बोलते ही हमें ये दिमाग में रखना है कि कोई अथॉरिटी है जो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दे रही है, जैसे कि गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर कोर्ट हो सकती है, या फिर कोई और दूसरी अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे लॉज जो है पावर्स देते हैं अलग अलग अथॉरिटीज को कि वो कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा रहेगा कंपनीज एक्ट में कि अगर कोई कंपनी को नाम चेंज करवाना है तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर गवर्नमेंट का हो सकता है, कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो सकता है, कोई अथॉरिटी का ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि सेबी हो गया, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी का ऑर्डर हो सकता है। ठीक बात है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट जो है इंडियन लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट से एक्ट आएगा, ऑर्डिनेंस, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डर, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंडियन लॉ के अंदर कवर हो रहे हैं, दिस इज एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 29। ठीक बात है, अच्छा नीचे और कुछ लिखा है बच्चों, ये भी हम लोग पढ़ लेते। यस, क्या लिखा है, नोट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन अपना कब बना, तो आंसर इज 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना बच्चों, उसके पहले अगर कोई लॉ पास होता है तो वो भी इंडियन लॉ में आएगा। बट यहाँ पे कुछ लिखा है, ओनली इफ दीज वेर इनफोर्स इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया और पार्ट देर ऑफ और देर आफ्टर वेर इनफोर्स इन पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट देर ऑफ। तो फिर से बच्चों यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट का रेफरेंस दिया। ठीक है, अगेन हमने जो इसके पहले के वीडियो में जो देखा था ना बच्चों, पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था, तो वो रेफरेंस दे रहा है पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट को। ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। ठीक है बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती थी पहले। ठीक है, तो अगर यूके में, यूके के पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है तो वो इंडियन लॉ का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो डेफिनेटली वो इंग्लिश लॉ का हिस्सा माना जाएगा जो इंडिया में एप्लीकेबल होता भी नहीं है। ठीक बात है, तो यूके के पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास हो रहा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है, तो इंडियन लॉ का क्या क्या हिस्सा बनेगा, ओनली दीज थिंग्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर। ठीक बात है, तो बच्चों ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आई होप दिस इज वेरी इजी नाउ, बिकॉज हम लोग चार्ट के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन का एग्जाम में इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, इट मे हैपन कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए डेफिनेशन पे, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन, इसलिए हमें लर्न होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें और क्या सीखना है। यस, सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट, सेक्शन 5। ठीक है, तो बच्चों ये सेक्शन 5 जो है ना जनरल क्लॉजेस एक्ट का, पहले आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, कोई भी लॉ जब पास होता है, कोई भी एनैक्टमेंट जब पास होता है, तो कौन से तारीख से एप्लीकेबल होगा, इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन को सेक्शन 5 जनरल क्लॉजेस एक्ट का क्लियर करता है। ठीक है, सेक्शन 5 हमें सिंपली इतना बोल रहा है कि अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी एनैक्टमेंट जब भी पास होता है ना, तो नॉर्मली उसको एप्लीकेबल, उसका एप्लीकेबिलिटी कब से होगा, उसकी तारीख लिखी जाती है ऑफिशियल गजट में। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों ऑफिशियल गजट क्या होता है। देखो, जो भी लॉ जब भी पास होता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट इशू करती है और उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि ये लॉ, ये कानून कौन से तारीख से एप्लीकेबल होगा। अगर मेंशन किया गया है कि ये लॉ इस तारीख से एप्लीकेबल होगा, क्लियरली स्पेसिफाइड है, तो हमने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो उस तारीख से ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट मान के चलो अगर ऑफिशियल गजट में कोई डेट मेंशन नहीं की गई है तो क्या करना है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम लोगों को वो जिस दिन
उसको एसेंट मिला, जिस दिन उसको एक्सेप्टेंस मिला पार्लियामेंट में, उस तारीख से वो एप्लीकेबल हो गया, ऐसे हम लोग मानेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑफिशियल गजेट में तारीख लिखी गई है कि इस तारीख से एप्लीकेबल होगा, तो हमें उस तारीख से ही वो लॉ को एप्लीकेबल करना है। बट अगर डेट नहीं लिखा गया है तो वेरी सिंपल, जिस तारीख को प्रेसिडेंट का या गवर्नर का एसेंट मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है, उस तारीख से वो लॉ एप्लीकेबल हो गया है, ऐसा हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पूरा पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूं। दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट विच वी हैव मेड हियर। ठीक है, इफ अ सेंट्रल एक्ट हैज नॉट मेंशन एनी डेट, ठीक है, अगर कोई सेंट्रल एक्ट में कोई तारीख लिखी नहीं है कि वो कब से एप्लीकेबल होगा, ऑफ इट कमिंग इन टू फोर्स, इट शैल बी डीम टू बी कमिंग इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट इट रिसीव द एसेंट ऑफ, ठीक है, या तो गवर्नर, गवर्नर जनरल या तो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल, ये बोल रहा है कि अगर मान के चलो कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बना है, तो हम लोगों को पता है बच्चों, हमने ये देखा भी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले गवर्नर जनरल जो थे इनके हाथ में लॉस पास करने का अथॉरिटी था, और एक बार हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो हम लोग तब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जिस दिन सेंट्रल एक्ट को यहाँ पे एसेंट मिला है, मंजूरी मिली है, ठीक है, या फिर गवर्नर जनरल को जिसका जिस दिन कोई एक्ट को एसेंट मिला, एक्सेप्टेंस मिला है, उस तारीख से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। ऐसा हमें कब देखना है, अगर कोई आपने तारीख मेंशन नहीं किए तो, अगर ऑफिशियल गजट में कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग इस तारीख से जब प्रेसिडेंट ने एक्सेप्टेंस दिया या फिर गवर्नर जनरल ने एक्सेप्टेंस दिया है तब से वो लॉ एप्लीकेबल हो गया है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। दिस इज वेरी इजी, राइट? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये चीज और क्लियर होगी। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है, द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड एसेंट ऑन 29th August 2013, मतलब एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, जो प्रेसिडेंट है इनका सिग्नेचर हुआ था 29th August 2013 को, ठीक बात है। Was notified in official gazette on 30th August 2013. तो बच्चों ये देखो यहाँ पे official gazette में date लिखा है। मैंने आपको क्या बोला, अगर कुछ डेट नहीं लिखी गई है तो हम लोग जिस दिन assent मिला है वो तारीख को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट मेंशन की गई है ऑफिशियल गजेट में कि 30th August से ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे वो ही लिखा है, दिस इज द डेट ऑफ इट कमिंग इनटू फोर्स, मतलब इस तारीख से एप्लीकेबल होगा, नॉट 29th August। assent की तारीख क्यों नहीं ले रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्योंकि स्पेसिफिकली डेट मेंशन की गई थी। अगर तारीख नहीं मेंशन की जाती है तो हम लोग जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, एक्सेप्टेंस दिया, वो तारीख को मानेंगे। ठीक बात है, आई होप दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल, राइट? एक और एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे जिससे और भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। तो बच्चों सेबी के कुछ रेगुलेशन बने थे 2015 में, ठीक है, और ये जो कैपिटल और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को लेके जो रेगुलेशंस बनाई थी सेबी ने, ठीक है, ये कब इशू हुए थे, इशूड ऑन 14th August 2015। ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में इस तारीख को मेंशन किया गया था, इस तारीख को यहाँ पे ऑफिशियल गजेट में लिखा गया था कि सभी के ये रेगुलेशन बने। बट बच्चों यहाँ पे आगे लिखा है WEF, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये है कि अगर ऑफिशियल गजट में 14th अगस्त 2015 को मेंशन किया गया है कि ये जो भी रेगुलेशंस बने हैं ये इफेक्ट में आएंगे कब, 1st जनवरी 2016, जब इतना क्लियरली लिखा गया है, ऑफिशियल गजट की तारीख थी 14th अगस्त, बट ऑफिशियल गजट में ये लिखा गया था कि भले ही हम लोग 14th अगस्त को ये आपको बोल रहे हैं बट ये इफेक्ट में आएगा, ये लागू होगा कब से, 1st जनवरी 2016 से। तो जब इतना क्लियरली इन्होंने ऑफिशियल गजट में बोल दिया है कि ये इफेक्ट में आएगा 1st जनवरी 2016 को, तो यही हमें डेट एप्लीकेबिलिटी का कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज द डेट ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी, 1st जनवरी 2016 को हमें ये डेट को रेस्पेक्ट देना है, इस तारीख से आगे अब ये एप्लीकेबल होगा। ठीक बात है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को इंटरप्रिटेशन लेना है। अगर डेट मेंशन नहीं किया है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया, एसेंट दिया है अपना, एक्सेप्टेंस दिया, या फिर जिस दिन गवर्नर जनरल ने एक्सेप्टेंस दिया था, उस तारीख से वो एप्लीकेबल हो गया है, ऐसा हम लोग मानेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज क्लैरिफाइड इन सेक्शन 5। ठीक है, यस, तो कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनएक्टमेंट, ये सेक्शन अभी हम लोगों ने सीखा है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अगेन चार्ट के फॉर्मेट में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, तो बेटर ये होगा कि आप लोग हर चीज नोट करो,
ठीक है, नोटबुक में आपको हर एक चीज लिखना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को हमको किस तरीके से पढ़ना है। सो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 6, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ रिपेल। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल सेक्शन। सिंपल मतलब एक्चुअली हम लोग इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत लोगों को, बट वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, राइट। चलो ठीक है, तो ये सेक्शन 6 एग्जैक्टली क्या बोलता है? ओके बच्चों, सेक्शन 6 जो है ना, देखो मैं पहले इसका लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। ओके, वेर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, रिपील्स एनी एक्ट मेड और येट टू बी मेड, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर्स द रिपील शैल नॉट। अभी ये इतना लंबा सेंटेंस है बच्चों, ये आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली रिपील ये वर्ड का मतलब बताऊंगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिपील वही लिखा, राइट। तो रिपील का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कोई लॉ जो बना है ना उसको बाद में फ्यूचर में रिपील किया जा सकता है। ठीक है, रिपील करना मतलब क्या बच्चों? रिपील मतलब हम लोग पूरे के पूरे लॉ को ही यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि वो लॉ कभी बना ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होगा बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 अभी एप्लीकेबल है, इसके पहले पुराना जो लॉ था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो क्या होता है देखो, 2013 वाला जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पुराने एक्ट के प्रोविजंस को रिपील कर दिया। रिपील मतलब उसके जगह ये आ गया, अभी मतलब 1956 वाला एक्ट अभी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये बिल्कुल था ही नहीं एग्जिस्टेंस में कभी। ठीक, पता है रिपील मतलब क्या? पूरी तरीके से हट जाना, इसको हम लोग बोलते हैं रिपील। ठीक है, तो जो क्या होता है देखो, अगर कोई लॉ रिपील होता है, कोई एनैक्टमेंट अगर रिपील होता है, तो उसके बहुत सारे चीजों पे असर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई किया गया है सेक्शन 6 में, मैं काम करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ रिपील को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, रिपील का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिपील में भी कंपनीज एक्ट जो है ना 1956 का, ये क्या हो गया, ये रिपील हो गया। सही बात है, रिपील मतलब पूरी तरीके से हट गया, और इसके जगह कौन सा एक्ट है, इसके जगह नया एक्ट 2013 वाला जो है ना वो आ गया। ठीक बात है, तो रिपील के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ये हम लोगों को सेक्शन 6 क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो हम लोग ये चार्ट के थ्रू स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, रिपील का असर इन चीजों पर नहीं होता है। कौन सी चीजों पर नहीं होता है, ये मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, रिपील शाल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड एट द टाइम एट विच द रिपील टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना वो लैंग्वेज में उनको समझ में नहीं आता, यहाँ यहीं पे वो जंबल होता है। तो इसलिए हम लोग चार्ट से एग्जाम्पल से ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, फिर हम लोग फिर से वही सेंटेंस को लॉ के लैंग्वेज को पढ़ के डीकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। अच्छा मान के चलो बच्चों, कोई पुराना एक्ट था, ओल्ड एक्ट, ठीक है, यस, सपोज कोई पुराना एक्ट था, ओल्ड एक्ट, ओके, पर अब क्या हो रहा है, अब ये पुराना एक्ट रिपील होके इसके जगह अब नया एक्ट आ गया। ठीक है, नया एक्ट ने क्या किया, न्यू एक्ट ने पुराने एक्ट को रिपील कर दिया। रिपील करना मतलब जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, 2013 वाला न्यू एक्ट जो है उसने 1956 वाले पुराने एक्ट के प्रोविजंस को, पूरा ही एक्ट को रिपील कर दिया है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों देखो अभी सिचुएशन क्या, सिचुएशन ये कि हमारे पास दो एक्ट्स है, एक है ओल्ड एक्ट, ठीक है, जो रिपील हो चुका है, जो अब हट चुका है, और इसको किसने हटाया, इसको न्यू एक्ट ने हटाया। ठीक बात है बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पुराना एक्ट जो था ना उसमें एक प्रोविजन लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे, अ प्रोविजन विल अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, अच्छा बच्चों ऐसा बहुत बार हो सकता है ना कि कोई स्पेसिफिक हम लोग प्रोविजन जो है वो उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं और उसका एप्लीकेबिलिटी कब से होगा वो भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं। सपोज जो पुराना एक्ट है उसमें लिखा गया है कि कोई प्रोविजन जो है वो 6 महीने के बाद एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आज नहीं होगा, 6 मंथ्स के बाद एप्लीकेबल होगा। ठीक बात है, बट क्या होता है, बट बच्चों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया। पुराने एक्ट में लिखा गया था कि कोई प्रोविजन 6 मंथ्स के बाद एप्लीकेबल होगा, बट जो न्यू एक्ट है इसने क्या बोला, इसने क्या किया, देखो न्यू एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर 2 मंथ्स रिपीलिंग द ओल्ड एक्ट। अच्छा तो इसका मीनिंग बच्चों देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, सी बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है,
ओके सोचो, तो देखो यहां पे जो ओल्ड एक्ट है, ओल्ड एक्ट, ठीक है, ओल्ड एक्ट में जो प्रोविजन था वो आज से 6 मंथ्स के बाद में एप्लीकेबल होने वाला था। सही बात है, ठीक है, ओल्ड एक्ट में कोई प्रोविजन था जो 6 महीने के बाद एप्लीकेबल होने वाला था, बट कहानी में ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि न्यू एक्ट वॉज पास आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में नया एक्ट पास होता है, और नया एक्ट क्या करता है, नया एक्ट पुराने एक्ट को रिपील करता है। ठीक है, तो बच्चों अगर नया एक्ट पुराने एक्ट को रिपील कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि पुराना एक्ट जो है वो पूरी तरीके से अब हो जाएगा खत्म। तो क्योंकि पुराना एक्ट खत्म हो रहा है, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि पुराने एक्ट में जो प्रोविजन 6 मंथ्स के बाद एप्लीकेबल होने वाला था, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि पुराना एक्ट ही अब नहीं बचा, तो जो प्रोविजन फ्यूचर में आने वाला था 6 मंथ्स के बाद, वो प्रोविजन भी अब एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्रोविजन भी रिवाइव नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एक्ट ही नहीं बचा है, एक्ट ही रिपील हो गया पूरी तरीके से। ठीक बात है, तो ये क्लैरिफिकेशन दिया है सेक्शन 6 में। फिर से बता रहा हूं आपको बच्चों, यहां लिखा देखो, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, न्यू एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर 2 मंथ्स रिपीलिंग दी ओल्ड एक्ट। तो नया एक्ट जो है 2 महीने के बाद पास हुआ और इसने पुराने एक्ट को रिपील कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, नाउ द प्रोविजन ऑफ ओल्ड एक्ट व्हिच वाज टू अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स शैल नॉट रिवाइव एज एज द ओल्ड एक्ट इज रिपील। इसका मीनिंग ये सिंपल लैंग्वेज में कि जो ये प्रोविजन 6 महीने के बाद एप्लीकेबल होने वाला था वो अब एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी पुराना एक्ट ही हो गया है रिपील। सही बात है, तो बच्चों ये क्लैरिफिकेशन देता है सेक्शन 6। ओके अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा इस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा है। ओके, यहां पे लिखा है द रिपील शैल नॉट, जो रिपील हुआ है, जो नया एक्ट ने पुराने एक्ट को रिपील किया है, शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड एट द टाइम एट विच द रिपील टेक्स प्लेस। मतलब जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो 6 महीने के बाद लागू होने वाला है, क्योंकि बट अब बीच में से नया एक्ट आता है और जो पुराने एक्ट को रिपील करता है, तो जो प्रोविजंस पुराने एक्ट के अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुए, जो होने वाले थे, ठीक है, वो भी अब एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यू एक्ट ने पूरे के पूरे पुराने एक्ट के प्रोविजंस को ही रिपील कर दिया है। ठीक बात है, सो दिस इज समथिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड, और ये लिखा है सेक्शन 6 में। ठीक बात है, तो बच्चों सेक्शन 6 काफी बड़ा है, जिसमें से एक पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड ब्रांच जो है ना, ये क्या लिखा है, ये भी हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द रिपील शाल नॉट, और क्या नहीं होगा, अफेक्ट द प्रोविजंस, अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट सो रिपील और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड थेरंडर। अच्छा ये क्या है बच्चों, देखो एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल से ही आपको हर चीज समझ में आने वाली, एग्जाम्पल पे ही हम लोग अभी फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो एग्जैक्टली क्या होता है, फिर से यहाँ पे वही कहानी है, ओल्ड एक्ट पुराना एक्ट एंड न्यू एक्ट। नया एक्ट क्या करता है, नया एक्ट पुराने एक्ट को रिपील कर रहा है, यानी कि पुराना एक्ट अब हट जाएगा और उसकी जगह नया एक्ट आएगा। ठीक बात है, तो बच्चों देखो यहाँ एग्जैक्टली क्या लिखा है, ओल्ड एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड फ्यू ऑर्डर्स अगेंस्ट ए लिमिटेड। ठीक है, तो बच्चों ऐसा हो सकता है क्या कि मान के चलो 2013 वाला नया एक्ट है और 1956 वाला पुराना एक्ट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1956 वाले एक्ट में, 1956 वाले एक्ट में ए लिमिटेड के खिलाफ कुछ ऑर्डर पास करती है, हो सकता है ना बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझते हैं, दिस इज ओल्ड एक्ट 1956 वाला एक्ट है और ये 2013 वाला एक्ट है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है क्योंकि ए लिमिटेड के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर पास किए, मान के चलो 2012 में ऑर्डर पास किए, अभी 2012 में तो ऑब्वियसली कौन सा एक्ट था, ओल्ड एक्ट था, पुराना एक्ट था, तो पुराने एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया, ए लिमिटेड के खिलाफ कुछ यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, और कंपनी को कुछ पेनल्टी भरने के लिए बोला गया, कुछ बैन लग गया सपोज कंपनी पे। ओके, अब क्या होता है, अब नया एक्ट आता है 2013 में और ये नया एक्ट जो है वो पुराने एक्ट को रिपील कर रहा है। ठीक है, तो अब ए लिमिट का बोलना क्या है, ए लिमिट का बोलना ये है कि सर देखो हमें जो सजा मिल रही थी पुराने एक्ट में, जो गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ ऑर्डर्स दिए है पुराने एक्ट में, क्योंकि अब पुराना एक्ट ही नहीं बचा तो हमें ये सजा भी नहीं मिलनी चाहिए बच्चों, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखा देखो क्या लिखा है, नया एक्ट अगर पुराने एक्ट को रिपील करता है तो भी जो एक बार ऑर्डर पास हो गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया आपके खिलाफ पुराने एक्ट में,
वो आपके खिलाफ अभी भी लागू रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ वही लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर शैल नॉट बी अफेक्टेड। पुराने ऑर्डर्स जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, क्योंकि पास हो चुके हैं तो अब उनपे कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये कितना सही पॉइंट है। अदरवाइज अगर ये पॉइंट नहीं होता था तो हम लोग किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते थे, जो ए लिमिटेड जो है ना, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जो ऑर्डर दिया है, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी कि देखो क्योंकि पुराना एक्ट अब बचा ही नहीं तो हमें सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नए एक्ट ने तो पुराने एक्ट को रिपील कर दिया है। बट ऐसा नहीं है, ये चीज क्लैरिफाई करता है सेक्शन 6। क्या बोल रहा है सेक्शन 6? ये बोल रहा है कि देखो क्योंकि नया एक्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पुराने एक्ट में आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास करता है तो वो भी ऑर्डर कैंसिल हो गए। नो, ऐसा नहीं है। पुराने एक्ट में जो भी ऑर्डर आपके खिलाफ है वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, नया एक्ट आ गया है तो भी। ठीक बात है। बट हाँ, अगर फ्रेश ऑर्डर आपके खिलाफ कोई पास करना है तो न्यू एक्ट में हो सकता है। ठीक है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स आपके खिलाफ पास हो चुके हैं वो बिल्कुल जैसे के वैसे रहेंगे, उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर लॉ का लैंग्वेज जो है बच्चों, इसको पढ़ के देखते हैं समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट, प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर। जो हो चुका है पुराने एक्ट में वो हो चुका है, उसको अब आप चेंज मत करो। तो गवर्नमेंट ने अगर आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है पुराने एक्ट में तो वो वैसा ही रहेगा, उसको बदलना नहीं है। ठीक बात है, बट अगर अब गवर्नमेंट को कोई नया ऑर्डर पास करना है, न्यू एक्ट पास हो चुका है, तो अब नए एक्ट के हिसाब से ही पास होगा। सही है, सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन क्लैरिफाइड बाय सेक्शन 6। ओके, अच्छा थर्ड पॉइंट पढ़ते बच्चों क्या लिखा है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन और डेट ऑब्टेन्ड एनश्यू और सस्टेन्ड इन द एक्ट। रिपील, अगेन एग्जाम्पल पे आते हैं फिर ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अगेन पुराना एक्ट, ठीक है, अगेन पुराना एक्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, यस बच्चों जो पुराना एक्ट है, अगेन आप सेम एग्जाम्पल रख सकते हो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1956 वाला कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसमें मान के चलो ए लिमिटेड ने कोई लिटिगेशन जीता था, लिटिगेशन यानी कि कोर्ट में कुछ केस चल रहा था और वो केस को ए लिमिटेड ने जीता है पुराने एक्ट में। ठीक बात है, अब क्या होता है, अब बच्चों न्यू एक्ट आता है और ये नया एक्ट क्या करता है, रिपील्स द ओल्ड एक्ट। नए एक्ट ने पुराने एक्ट को अब हटा दिया है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, विनिंग ऑफ लिटिगेशन वोंट बी अफेक्टेड। मतलब जो लिटिगेशन ए लिमिटेड जीत चुकी है, अब इन्हें फिर से ये जीतना नहीं पड़ेगा न्यू एक्ट, क्योंकि ये हो चुका है, जो हो चुका है ना, ठीक है, उसको अब आप इंपैक्ट मत करो। ठीक है, जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, जो ऑर्डर पास हो चुके हैं, जो लिटिगेशन आप जीत चुके हो, जो पनिशमेंट आपके खिलाफ अनाउंस हो चुकी है, इस पे कुछ भी असर नहीं होगा रिपील का। ठीक बात है, तो बच्चों ये वही लिखा, देखो ए लिमिटेड ने मेहनत करके पुराने एक्ट में ही लिटिगेशन जीत लिया है, तो अब वापस नए एक्ट में फिर से लिटिगेशन जीतना नहीं पड़ेगा, भले ये पुराना एक्ट अब रिपील हो गया, जो हो चुका है ना उसको हम लोग कुछ भी यहाँ पे अब इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, तो बच्चों यहाँ वही लिखा देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मान के चलो कोई राइट हमें मिला है, कोई प्रिविलेज मिला है, या फिर कोई लाइबिलिटी या फिर डेट हमें पे करना है। ठीक है, तो जो भी ये पुराने एक्ट में हो चुका है ना उस पर कुछ भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक बात है, अगेन अच्छा अब बच्चों फोर्थ पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं, देखते हैं और क्या क्या लिखा है यहाँ पे सेक्शन 6 में। द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनाल्टी फॉर फ्यूचर पनिशमेंट इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी एनैक्टमेंट। सो रिपील, अगेन एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अगेन दिस इज वेरी सिंपल नाउ, ओल्ड एक्ट एंड न्यू एक्ट। तो नया एक्ट क्या करता है, नया एक्ट पुराने एक्ट को रिपील कर रहा है। ठीक बात है, मान के चलो पुराने एक्ट में मिस्टर ए को 10 साल की जेल होने वाली थी, ठीक है, और नए एक्ट में अब वही काम के लिए जेल के प्रोविजंस जो है 14 इयर्स के हो गए। सपोज हो सकता है ना बच्चों कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन को लॉ मेकर ने और स्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है, तो पुराने एक्ट में जो गलत काम के लिए 10 साल की जेल थी, अब नए एक्ट में वही गलत काम करने के लिए 14 इयर्स का जेल है। ठीक बात है, तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे मिस्टर ए का बोलना ये कि सर मैं तो पुराने एक्ट के हिसाब से ये गुनाह कर चुका हूं और मेरे को 10 साल का जेल ऑलरेडी काटना है। ठीक है, मान के चलो ये अभी भी जेल में, बट नया एक्ट आता है और नया एक्ट पुराने एक्ट को रिपील करता है, तो क्या अब मिस्टर ए को और 4 साल की जेल जो है उसकी सजा काटनी पड़ेगी? तो आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर ए को जो भी इम्प्रिजनमेंट हुआ था ये पुराने एक्ट के हिसाब से इसका यहाँ पे
केस चल रहा था, तो अब मिस्टर ए को आप नए एक्ट में मत लाओ क्योंकि हिज केस वॉज ऑलरेडी गवर्न अंडर दी ओल्ड एक्ट, ठीक है, तो अब इसको हम लोग नए एक्ट के हिसाब से नहीं वापस से पनिश करेंगे, तो वही लिखा मिस्टर ए शैल बी पनिश्ड अंडर ओल्ड एक्ट, ठीक बात है। और बच्चों ये सही भी होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि मिस्टर ए ने सोचा रहेगा कि यार अगर मैं गलत काम कर भी लूंगा तो कितना होगा जेल, मैक्स टू मैक्स 10 साल का जेल होगा सपोज, ठीक है, बट अब नए एक्ट में यहाँ पे 14 इयर्स का जेल लिखा है, तो आप इस तरीके से कोई पर्सन को ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे पुराना एक्ट में जो उसको जिस हिसाब से पनिशमेंट हो रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू रखना चाहिए, दिस इज अगेन क्लैरिफाइड इन सेक्शन 6, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं इसको यहाँ पे इस लैंग्वेज में, ठीक है, shall not affect any penalty forfeiture punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed. तो पुराने एक्ट में अगर उसको कुछ पेनाल्टी है, फोरफीचर है, पनिशमेंट है, ठीक है, तो जो चालू है ना उसको हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं इम्पैक्ट करना है, ये जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, affect any inquiry, litigation or remedy with regard to number 3. बच्चों यहाँ पे अगेन वही लैंग्वेज है, ठीक है, इंक्वायरी लिटिगेशन और रेमेडी विद रिगार्ड टू नंबर 3, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी अब इंक्वायरी पे भी कुछ असर नहीं होगा, मतलब क्या है इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों मान के चलो कोई कंपनी है जिसने कुछ गलत काम किया है पुराने एक्ट में 1956 वाले एक्ट में, ठीक है, और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहा है उसके खिलाफ पुराने एक्ट के हिसाब से, और अगर पुराना एक्ट जो है उसको रिपील किया गया है और नया एक्ट आ गया, तो जो इन्वेस्टिगेशन जारी है ना उस पर कुछ असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ चालू है, जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो चालू हो चुका है पुराने एक्ट में, उसको पुराने एक्ट में ही खत्म करना चाहिए, ठीक बात है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए बच्चों, ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट ऑल नो, सेक्शन 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट आ चुका है एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, और तब हम लोगों को लैंग्वेज इसका ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए इस तरीके से इसका चार्ट जो है अगर आप बनाओगे तो ये आपको ये याद रहेगा, ठीक बात है। तो बच्चों आई होप आपको सेक्शन 6 अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स और है जो मैं यहाँ पे भी क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है, यस। तो बच्चों सेक्शन 6 जो है ना इसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे नोट्स में, Whenever an act is repealed, it is assumed that it never existed. This is very important. बच्चों ये क्या बोल रहा है? Repeal को clarify कर रहा है। जब भी कोई act repeal होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो existence में ही नहीं था, उसका अस्तित्व ही नहीं था, वो existence में नहीं था, ऐसा हमको मानना है, ठीक बात है। इसका मीनिंग बच्चों ये होगा कि कोई एक्ट अगर रिपील होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली हट गया है, ऐसा हम लोग मानेंगे, कभी था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, हम लोग ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, इट नेवर एग्जिस्टेड मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से कभी था ही नहीं, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है। मतलब 2013 वाला एक्ट अभी हम लोग एप्लीकेबल हो गया, अब हम लोग यही एक्ट पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013, तो अभी हमें क्या मानना है, अभी हमको ये मान के चलना है कि पुराना जो एक्ट था 1956 वाला वो कभी था ही नहीं, और ऐसे करके हमें अब कंपनी को न्यू एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो कोई नई कंपनी बच्चों जो 2013 के बाद बनी मान के चलो, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि 1956 वाले पुराने एक्ट में क्या प्रोविजंस लिखे गए थे, क्योंकि अब हमें क्या मानना है, हमें ये मानना है कि जो पुराना एक्ट जो रिपीट हो चुका है वो कभी था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, ये आपको दिमाग रखना है, ठीक है। अच्छा सेक्शन 6 applies to repeals and not omissions. अच्छा बच्चों ये चीज मैं आपको यहाँ पे नीचे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, लिखा देखो omission versus deletion versus repeal, ये तीनों अलग टर्म्स बच्चों, मैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू ये चीजों को क्लैरिफाई करूंगा कि एग्जैक्टली इन तीनों टर्म्स में क्या फर्क है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे repeal को मैं पहले क्लियर करता हूँ, ओके, repeal मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, here There is complete obliteration of provision. ठीक है बच्चों, act repeal होना जरूरी नहीं है, provision भी repeal हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों अगर act repeal होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे यार वो act कभी existence में था ही नहीं, act पहले से ही चला गया, retrospective effect, ठीक है। अच्छा बच्चों repeal कोई provision का भी हो सकता है, मतलब अगर मान के चलो कोई section है, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से repeal किया गया है, इसका meaning क्या होगा, इसका meaning ये होगा कि वो section कभी था ही नहीं existence में, हम लोग इस तरीके से इसको मानेंगे,
ठीक बात है। तो बहुत बार क्या होता है बच्चों, पूरा एक्ट रिपील नहीं होता है, कोई सेक्शन रिपील होता है, कोई प्रोविजन रिपील होता है। तो पूरा प्रोविजन अगर रिपील हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि वो प्रोविजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, मतलब पूरी तरीके से हट चुका है, ऑफ प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, तो रिपील इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो रिपील जब भी कोई चीज का होता है, या फिर कोई एक्ट का होगा या तो प्रोविजन का होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा एक्ट रिपील होना चाहिए, बहुत बार एक प्रोविजन को भी हम लोग रिपील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पूरी तरीके से वो हट जाएगा और हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, रिपील इज डिफरेंट एंड ओमिशन इज डिफरेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, यानी क्या है, व्हाइल ड्राफ्टिंग अ लॉ 10 प्रोविजंस वर मेड, आउट ऑफ दीज 2 वर लेटर ओमिटेड। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओमिशन। बच्चों ओमिशन क्या होता है? ओमिशन इज एक्चुअली ऑफ अ पार्ट। ठीक बात है, मतलब कोई अगर लॉ मेकर ने कोई लॉ बनाया, ठीक बात है, और वो लॉ में मान के चलो 10 प्रोविजंस, 10 सेक्शंस जो है वो इंसर्ट हो गए। ठीक है, और उसमें से अगर दो हट गए बट अभी भी 8 एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग ओमिशन बोलेंगे। ओमिशन और रिपील में क्या डिफरेंस हो गया? यस, देखो रिपील क्या होता है बच्चों, रिपील जब भी होता है, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से हम लोग वो पर्टिकुलर चीज को ही हटाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सब सेक्शन हटाया, पूरा ही सेक्शन हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 10 प्रोविजंस बने, ठीक है, 10 सब सेक्शंस बने जिसमें से 2 सब सेक्शंस हट गए और अभी भी 8 सब सेक्शंस बाकी है, तो यहाँ पे ओमिशन वर्ड यूज करना है, नॉट रिपीट। सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन ओमिशन एंड रिपीट। तो ओमिशन सिर्फ एक हिस्से का होता है, रिपील पूरे प्रोविजन का या पूरे एक्ट का होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे? डिलीशन। बच्चों डिलीशन क्या होता है? यहाँ पे देखो डिलीशन इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली डिलीशन को किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, द लीगल प्रोविजंस हियर आर रिवोक्ड प्रोस्पेक्टिवली। बच्चों रिपील जो है हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे थे रिपील को, कि शुरुआत से कभी बना ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है रिपील का, बट डिलीशन का ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डिलीशन जो है बच्चों ये क्या होगा, देखो डिलीशन जो है ये प्रोस्पेक्टिवली होता है, जैसे कि प्लास्टिक बैन या गुटका बैन। आई गिव यू एन एग्जांपल, बच्चों मान के चलो गवर्नमेंट ने गुटका बैन किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर गुटका बैन करती है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट एक तारीख देगी और गवर्नमेंट बोलेगी देखो इस तारीख से आगे अब से ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, देखो बच्चों अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डेट को गुटका बैन किया है, ठीक है, तो जिस दिन गुटका बैन किया ना उसके आगे अगर आप गुटका जो है वो कंज्यूम करते हो या फिर जो भी प्रोडक्शन को बैन किया तो प्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ पे अब आपको उस चीज का यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा। बट मान के चलो जो पहले से गुटका बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था या फिर कंज्यूम करता था जो भी है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहले उसको, यहाँ पे पहले से अगर कोई पर्सन अगर ये सब चीजें कर रहा है, ओके, तो ये इसको पनिशमेंट नहीं करना है। प्लास्टिक, प्लास्टिक का बैन का मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों देखो बहुत सारे स्टेट्स में प्लास्टिक को बैन किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ही पतला प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है, जो कैरी बैग्स यूज करते हो, तो उसके लिए पेनल्टी के प्रोविजंस है। ठीक बात है बच्चों, अभी क्या होगा, देखो अगर मान के चलो बैन जिस तारीख को आया, प्लास्टिक बैन गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तारीख से है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके पहले तक अगर मैं प्लास्टिक यूज करता था तो मेरे को पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है, जिस तारीख को गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है उसके आगे अगर मैं यूज करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, तो अब मेरे को पनिश करो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग कोई चीज को डिलीट कर रहे हैं, जो चीज अलाउ था अब वो बैन हो गया, तो हमने जो अलाउ किया गया था वो प्रोविजन को डिलीट कर दिया, अब हम लोग बोल रहे हैं ये बैन हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये होगा प्रोस्पेक्टिव। सो डिलीशन इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मतलब आपको एक डेट दी जाएगी और उस तारीख से आगे भी अगर आप वो करोगे तो अब यहाँ पे ये बैन का इम्पैक्ट आपको सहन करना पड़ेगा और अब आपको पनिशमेंट होगा। ठीक है, जो पहले से प्लास्टिक यूज करता था उसके लिए ऐसा नहीं होगा कुछ। ठीक बात है, तो बच्चों देखो डिलीशन जो है ना ये होता है प्रोस्पेक्टिव, रिपील होता है रेट्रोस्पेक्टिव, और ओमिशन रिपील का ही छोटा भाई है बेसिकली। ओमिशन पूरे चीज का नहीं होता है, ओमिशन कुछ छोटे से पार्ट का होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। सेक्शन 6 किसको एप्लीकेबल है? ये रिपील को एप्लीकेबल है, ओमिशन को एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन क्लैरिफाइड हियर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। आई नो दिस मे साउंड रियली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट बच्चों हम लोग इसको सुपर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है, अच्छा तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट और कौन सा सेक्शन अभी हमें कवर करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 6A। और आपको पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सेक्शन 6A और सेक्शन 6 में डिफरेंस है, बट स्टूडेंट्स इन दोनों भी सेक्शन को सेम मान लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका हेडिंग पढ़ते हैं और फिर मैं एग्जांपल से आपको सेक्शन 6A के बारे में हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 6A का हेडिंग लिखा है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 6A कैन बी वेरी 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 कंफ्यूजिंग। इनफैक्ट मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद में हम लोग जो एक्ट में जिस हिसाब से इसको डिफाइन किया है सेक्शन 6A का जो पैराग्राफ है उसको हम लोग ढंग से एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक बात है, तो पहले काम करते हैं हम लोग, पहले एग्जाम्पल को ढंग से समझ लेते हैं। राइट, तो बच्चों मान के चलो सपोज कोई एक्ट था जो ओरिजिनली 1925 में पास हुआ था। दिस इज जस्ट एन एडहॉक एग्जाम्पल, ऐसा कुछ एक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट किया ताकि मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा सकूं। ठीक बात है, मान के चलो कोई एक्ट है जो 1925 में पास हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनल एक्ट, ये अपना ओरिजिनल एक्ट है जो पहली बार 1925 में पास हुआ था। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मान के चलो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाना जरूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट 1950 में अमेंडमेंट एक्ट लाती है जो ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट्स कर रहा था। ठीक बात है बच्चों, अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत जगह पास होता है, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी काफी सारे दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें 1999 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, और बच्चों इसी तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना इसमें भी बहुत सारे आगे अमेंडमेंट्स है, अलग से अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अपने इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ कि ओरिजिनल एक्ट जो था जो 1925 में पास हुआ था इसमें अमेंडमेंट्स आए 1950 में, और अमेंडमेंट एक्ट क्या कर रहा है, अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ओरिजिनल एक्ट के कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहा है। ठीक बात है, अमेंडमेंट एक्ट का पर्पज ही वही होता है, नाम ही वैसे लिखा है अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एक्ट में कुछ चेंजेस ला रहा था इसलिए हमने अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1950 में। ओके ठीक है, अभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक खास चीज हो रही है, न्यू एक्ट रिपीलिंग अमेंडमेंट एक्ट, एक और नया एक्ट पास होता है जो अमेंडमेंट एक्ट को ही रिपील कर रहा है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो फिर से आपको यहाँ पे मैं समरी बता रहा हूं कि सबसे पहले ओरिजिनल एक्ट पास होता 1925 और इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए थे अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1950 में पास हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है, और एक नया एक्ट आता है अब 1960 में, और ये नया एक्ट क्या कर रहा है, ये नया एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है। ठीक है बच्चों, रिपील ये वर्ड का मीनिंग हमें पता है। ठीक है, रिपील मतलब क्या, रिपील मतलब पूरी तरीके से कैंसिल कर देना, एज इफ द एक्ट नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, तो जो 1960 में जो न्यू एक्ट आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये अमेंडमेंट एक्ट को ही रिपील कर रहा है। तो भी यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट अगर रिपील होता है तो ये अमेंडमेंट एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट्स लाए थे ओरिजिनल एक्ट में उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज सेक्शन 6A क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, 1925 में ओरिजिनल एक्ट पास हुआ था, 1950 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, और 1960 में एक नया एक्ट पास हुआ है जो अमेंडमेंट एक्ट को ही रिपील कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सच रिपील, सच रिपील मतलब ये जो नया एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ सच अमेंडमेंट मेड बाय अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वर इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ रिपील। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये अमेंडमेंट एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट लाए हैं ओरिजिनल एक्ट में, ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स जो भी लाए हैं ओरिजिनल एक्ट में 1950 में जो आया है अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे अमेंडमेंट्स 1960 के पहले जो भी पेंडिंग थे ना वो अभी भी ऑपरेशन में रहेंगे न्यू एक्ट पास होने के बावजूद भी। इन सिंपल लैंग्वेज, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया एक्ट पास हो रहा है और इसने अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1950 वाले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी अमेंडमेंट्स ऑपरेशन में थे इस एक्ट के पहले वो अब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है सेक्शन 6A हमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि इस अमेंडमेंट एक्ट ने जो भी अमेंडमेंट्स लाए थे ये अमेंडमेंट्स इंटैक्ट रहेंगे इवन इफ 1960 वाला नया एक्ट जो है वो अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है। जो ऑपरेशन में थे ना, मतलब जो चालू थे, उन्हें हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि न्यू एक्ट रिपील कर रहा है इसलिए। ठीक है बच्चों, ये चीज जो है मैं आपको और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, से इन 1959 देयर वाज अ केस फॉर व्हिच प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट एक्ट वर एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग देख सकते हो 1925 में ओरिजिनल एक्ट पास हुआ, जी हाँ 1950 में अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने ओरिजिनल एक्ट के प्रोविजंस को अमेंड कर दिया, ये हमें पता है। ठीक है,
1960 में एक और नया एक्ट है जो अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है. ओके अभी कहानी में ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि 1959 में एक केस आया, ठीक है, जहां पे अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल थे. ऑब्वियसली बच्चों 1959 में अमेंडमेंट एक्ट ही लागू होगा क्योंकि 1960 में इसके अगले साल नया एक्ट आया जो अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है. तो 1959 में अगर कोई केस था तो हम लोग कौन से एक्ट के थ्रू वो केस को गवर्न करेंगे. सिंपली यहाँ पे हमें ये दिमाग में रखना है क्योंकि 1960 वाला नया एक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस इस साल में एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, मान के चलो कोई केस इस 1959 में इस एक्ट के हिसाब से चल रहा था. अब क्या होता है, अब 1960 में नया एक्ट आता है और ये नया एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर रहा है. तो अभी ये जो 1959 में जो केस चालू था, जो केस चल रहा था, जारी था, उसको भी क्या कैंसिल करना है? तो आंसर है जी नहीं, आपको ये केस को 1950 वाले पुराने एक्ट के ही प्रोविजंस लगाने हैं. क्यों? क्योंकि 1959 में ये केस चालू हो गया था और अब ये केस को हमें पूरी तरीके से अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ही गवर्न करना है. ठीक है, सिर्फ 1960 में अमेंडमेंट एक्ट को रिपील करने वाला नया एक्ट आया, इस रीजन की वजह से हम लोग पुराने जो पेंडिंग जो लिटिगेशंस है जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चल रहे थे उसे हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच सेक्शन 6A इज क्लैरिफाइंग. आई होप दिस इज नाउ वेरी इजी. ठीक है बच्चों, देखो काफी सारा यहाँ पे हमने ये कंटेंट जो है लिखा है यहाँ पे, इसलिए हो सकता है कि आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा डर लगे इससे, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, तो नीचे पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो यहाँ क्या लिखा है, से इन 1959 देयर वाज अ केस फॉर विच प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट एक्ट वर एप्लीकेबल. ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट मतलब ये कौन सी ईयर का है, 1950 का है. ओके, नाउ इफ द केस वाज स्टिल पेंडिंग एंड इन 1960 अ न्यू एक्ट रिपील्स अमेंडमेंट एक्ट, देन टू द पेंडिंग लिटिगेशन शैल बी गवर्नड थ्रू अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसके लिए हमको अमेंडमेंट एक्ट के ही प्रोविजंस को अप्लाई करना है. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ. बच्चों अब मैंने क्या किया यहाँ पे, नीचे जो आपके मॉड्यूल का लैंग्वेज है, ठीक है, जो सेक्शन 6A का लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे रेड इंक में लिखा है और उसको एक्सप्लेन में कर रहा हूँ यहाँ पे अपने एग्जाम्पल से लिंक करके. ठीक है, तो जो ब्लू इंक में है वो एग्जाम्पल का पार्ट है और जो रेड इंक में लिखा है बच्चों दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट. ठीक है, देखते अभी हमको समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, क्या लिखा है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन. ठीक है, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मतलब कौन सा, ये नया एक्ट की बात कर 1960 का. After commencement of this act, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग the General Clauses Act पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, where any central act or regulation after commencement of this act repeals any enactment. Repeals any enactment मतलब कौन से enactment को repeal किया, देखो ये नया act जो है ना इसने amendment act 1950 को repeal किया. ठीक है, by which the text of any central act or regulation was amended. मतलब देखो ये जो सेंट्रल एक्ट है ना इसने क्या किया, इसने कोई दूसरे सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन के टेक्स्ट को अमेंड किया था. जैसे कि 1960 वाले एक्ट ने क्या किया था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 1950 वाले एक्ट ने क्या किया था, 1950 वाले एक्ट ने ओरिजिनल एक्ट 1925 में जो पास हुआ था इसके टेक्स्ट को अमेंड किया था. ठीक है, अच्छा तो क्या लिखा है यहाँ पे, बाय एनी एक्सप्रेस ओमिशन इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी मैटर देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by enactments who repealed and in operation at the time of such repeal. In short, ये बोल रहा है कि जो repeal हुआ है वो जो amendment act ने जो amendment लाए है और जो चालू थे, ठीक है, operation में थे repeal के time पे, उसे नहीं cancel कर सकता है. सही बात है. In short, जो 1959 में जो case अपना pending था ना, ठीक है, उसको हम लोग पुराना amendment act ही applicable करेंगे. ठीक है, नया एक्ट जो रिपील कर रहा है अमेंडमेंट एक्ट को, वो सारे प्रोविजंस जो है वो 1959 वाले केस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे नए एक्ट के जिसने अमेंडमेंट एक्ट को रिपील किया है. ठीक बात है, सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड. तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये लिखा है और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से इसको लिंक कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए एक एक वर्ड कि ये क्या बोल रहा है. ठीक बात है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6A. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच सिंपल नाउ. ठीक है, अच्छा बच्चों अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते देखते हम लोग अगला सेक्शन कौन सा है. बच्चों अब यहाँ से प्रोविजंस बहुत आसान हो गए बिकॉज इस एक्ट में दो तीन ही ऐसे एरियाज थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे. जैसे कि सेक्शन 6 बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है और सेक्शन 6 का लैंग्वेज बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठता नहीं है.
ठीक बात है, अब देखते हैं आगे बढ़ के नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है। यस अच्छा बच्चों, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, देखो दिस इज वेरी वेरी इजी सेक्शन, सेक्शन 7, रिवाइवल और रिपील्ड एनैक्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, रिवाइवल और रिपील में फर्क क्या है, वेरी सिंपल। देखो रिवाइव करना मतलब क्या बच्चों, रिवाइव करना मतलब कोई एक्ट को हमने बंद कर दिया है और वापस हम लोग वही एक्ट का नया वर्जन लेके आ रहे हैं, ठीक बात है। रिपील मतलब क्या, रिपील का एक्चुअल मीनिंग होता है पूरी तरीके से हटा देना। रिवाइव करना मतलब क्या, रिवाइव मतलब पुनर्जन्म लेना, बेसिकली इसका मीनिंग वैसा होता है, ठीक है। रिवाइवल का एक क्लासिक एग्जाम्पल बोलते हो बच्चों, कमनीज एक्ट 1956 को हमने रिपील किया है, पूरी तरीके से हटा दिया, एज इफ द एक्ट नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है। और अब उसकी जगह पे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने पुराने एक्ट को, 1956 वाले एक्ट को रिवाइव किया। रिवाइव मतलब फिर से उसका नया वर्जन हम लोग लेके आ रहे हैं। देखो हम लोग ना ही सिर्फ पुराना एक्ट कैंसिल कर रहे हैं बल्कि उसकी जगह नया एक्ट भी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिवाइवल, ठीक है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन 7 क्या बोलता है, वेरी वेरी इजी। सेक्शन 7 सिर्फ हमें इतना बोलता है कि जब भी कोई नया एक्ट आता है जो पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्ट रिपील होता है, रिपील मतलब हट गया, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे रीजन बोलना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी पुराने एक्ट को हटा देंगे, उसके जगह नया एक्ट लेके आएंगे, तो क्या पर्पज है, नया एक्ट क्यों आया, पुराना एक्ट क्यों गया, ये सारी चीजों का पर्पज होना चाहिए। अगर हम लोग पर्पज नहीं बताएंगे तो कुछ मीनिंग ही नहीं बनेगा, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा है, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट, ठीक है। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग आइदर होली और पार्शियली एनी एनैक्टमेंट, होली और पार्शियली रिपील्ड, एक्सप्रेस टू स्टेट दैट पर्पस। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपली इतना बोल रहे हैं अपने को कि जब भी हम लोग रिवाइव करते हैं, रिपील करते हैं कोई एनैक्टमेंट को, तो हमें पर्पस बताना बहुत जरूरी है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से हमने ये सारे चेंजेस किए, ठीक बात है। तो जो अभी 1956 वाला कम्युनिटी एक्ट बहुत पुराना हो चुका था, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाने की जरूरत थी, इसलिए क्या किया, इसलिए गवर्नमेंट ने 2013 में नया एक्ट लाया, कंपनीज एक्ट 2013 जिसको हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक बात है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी था, तो ये सारे रीजंस के साथ गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऑब्वियसली कंपनी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है, ठीक है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी था, इसलिए रीजन के साथ आपको बताना पड़ेगा एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक बात है। आगे बढ़ते बच्चों, देखते नेक्स्ट सेक्शन हमें कौन सा पढ़ना है। ओके तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन इज अगेन वेरी सिंपल, सेक्शन 8, ठीक है। पहले हेडिंग इसका हम लोग पढ़ते हैं, राइट। ये सेक्शन 8 का हेडिंग यहाँ लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील एनैक्टमेंट्स, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, इसका क्या लॉजिक है, इस सेक्शन का क्या पर्पज है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एकदम क्लियर क्लियर लिखा है, ओके। जैसे कि देखो, अगर मान के चलो पुराना एक्ट से कंपनीज एक्ट 1956, ओके, ये रिपील हो चुका है, ठीक है, और नया एक्ट जो है इसके जगह आ गया है, से कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसने क्या किया, इसने पुराने एक्ट को रिपील कर दिया, ओके। अच्छा तो बच्चों अभी इसका मीनिंग क्या, हम लोग जब भी रिपील ये वर्ड पढ़ते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसका मीनिंग, रिपील मतलब हम लोग इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो एक्ट कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, ठीक बात है। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। देखो अगर मान के चलो, सपोज एनी अदर एनैक्टमेंट, मतलब कोई दूसरा एक्ट, ये दो एक्ट के अलावा कोई और अलग सेपरेट एक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, क्या होता है पता है क्या, देखो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, ओके, ये क्या करता है, ये 115JB नाम का एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। 115JB जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, इसमें बुक प्रॉफिट्स निकालने होते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं आपको, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है 115JB, ये हमें बुक प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है ये बताता है, ठीक बात है। अब क्या होता है पता है यहाँ पे, ये बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका इन्होंने रेफरेंस दिया था कंपनीज एक्ट 1956 को, ठीक है। तो यहां लिखा देखो, एनी अदर एनैक्टमेंट, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बुक प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना था, इट हैड रेफरेंस टू ओल्ड एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 को रेफर करो, ऐसा बोला गया था। इनकम टैक्स एक्ट में रेफरेंस दिया है 1956 वाले एक्ट का,
बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें पता है बच्चों कि 2013 वाला एक्ट जो है इसने रिपील किया है 1956 वाले एक्ट को, यानी कि अब 1956 वाला एक्ट हट जाएगा पूरी तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर 1956 वाला एक्ट अब बचा ही नहीं है तो अब ये रेफरेंस का क्या मीनिंग होता है, क्या ये रेफरेंस मीनिंगलेस हो जाएगा? तो इसका आंसर है जी नहीं। यहाँ पे लिखा है फॉर थ्योरी पर्पस वी शैल अज्यूम दैट द ओल्ड एक्ट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बच्चों देखो ये नए एक्ट ने पुराने एक्ट को रिपील कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो जगह जहां पे पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया था वो भी अब हट जाएंगे, वो इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमें हर एक एक्ट जहां पे भी पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया गया था उसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी थियोरी पर्पज के लिए मान के चलेंगे कि देखो ये पुराना एक्ट जो है ना ये अभी भी है, और हम लोग जो बुक प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में जो पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस इंटैक्ट रहेगा। ठीक बात है। अच्छा तो बच्चों ये चीज सेक्शन 8 क्लैरिफाई कर रहा है, कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता था जनरल क्लॉजेस एक्ट में तो कितने अलग तरीके से लोग इंटरप्रिटेशन निकालते थे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज हेल्पिंग ऑल अदर एक्ट्स। ठीक बात है, तो बच्चों ये एग्जाम्पल से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, दिस इज सेक्शन 8 construction of references to repealed enactments. I hope this is very easy. ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, next section देखते हैं exactly क्या लिखा है। अच्छा यहाँ से बच्चों जो sections हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत easy sections है, छोटे छोटे paragraphs है, तो हम लोग इसको examples है मैं आपको explain करने की कोशिश करूंगा। ठीक बात है। अच्छा तो अगला section है section 9, very easy section again, commencement and termination of time. ये exactly क्या होता है? बच्चों देखो आप लोगों ने कितने सारे acts में ऐसा पढ़ा होगा कि ये चीज 30 दिन के अंदर करना चाहिए, जैसे कि Companies Act में, ठीक है, कितने बार हम लोग पढ़ते हैं Companies Act में कि कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है। ठीक है, मान के चलो जैसे कि बोला गया है कि कंपनी को 30 डेज में ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ROC के पास जाके फाइल करना है। ठीक है बच्चों, कितने बार हम लोग यहाँ पे टाइम जो है वो देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग एक्ट में लिखा जाता है कि ये टाइम में ये करना चाहिए, ऑलमोस्ट हर एक्ट में ऐसा होता है, राइट? तो बच्चों एग्जैक्टली हमको टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो चीज सेक्शन 9 क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे चार्ट हम लोग ये पढ़ के समझते हैं, ओके, हाउ टू कैलकुलेट द कमेंसमेंट, कब से टाइम स्टार्ट करना है और कब टर्मिनेट करना है, यानी कि खत्म करना है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट, सिंपल है बच्चों रूल, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज पहले दिन को एक्सक्लूड करना है और आखिरी दिन को इंक्लूड करना है। इसका मीनिंग क्या है, पहले दिन को हटा दो और आखिरी दिन को इंक्लूड करो, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल पे आते हैं, पढ़ के देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या लिखा है। ओके, अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 39/2016। ओके, तो बच्चों देखो यहां पे इस तारीख को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, 39/2016 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओके बच्चों, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? देखो कंपनीज एक्ट जो है ना वो सिंपल यहाँ पे एक प्रोविजन बनाता है, और कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए। सही बात है। ठीक है, जो डिविडेंड का जो चैप्टर है ना बच्चों वो ये सारे पॉइंट को क्लियर करता है। अच्छा एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा है, पढ़ता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे Declare dividend within 30 days from the date of declaration. मतलब देखो अभी यहाँ पे 30 दिन कैसे निकालना है? कंपनी ऐसा क्या बोलता है? 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो। तो कौन से तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए? कैसे निकालेंगे हम लोग? वेरी सिंपल, जब भी हमें टाइम लिमिट कैलकुलेट करना है तो जो फर्स्ट डे है सीरीज का उसे हटा दो, मतलब 39/2016 को हटाना है। ठीक है, देखो ये 39/2016 से 30 डेज निकालना है तो इस दिन को हटा दो आप। ठीक है, इस दिन को हटाने के बाद अगले दिन को पहला दिन मान लो, मतलब इसके आगे का डेट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स सितंबर यहां पे खत्म हो गया तो नेक्स्ट डेट होगा 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर 2016 जो है बच्चों इस तारीख को हमें यहां से स्टार्ट करना है और यहां से आपको 30 डेज काउंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट डे, 1 अक्टूबर 2016 इज द फर्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, 39/2016 को एक्सक्लूड कर दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, अब यहां से आपको 30 डेज कैलकुलेट करना है। 30 डेज मतलब क्या होगा, 30/10/2016,
सही बात है। तो यहां से लेके यहां तक आपके 30 डेज हो जाएंगे। इस दिन को आप इंक्लूड करोगे, मतलब कंपनी जो है वो 30/10/2016 को भी डिविडेंड देगी तो भी चलेगा। ठीक बात है। तो बच्चों 30/10/2016 तक कंपनी डिविडेंड दे सकती है, बट इसके बाद का जो डेटा, अगर अब डिविडेंड देती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिविडेंड कब दिया इसके आगे, ठीक है, सपोज 31 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो ये गलत माना जाएगा बिकॉज ये इस डेट के बाद हो रहा है। ठीक बात है। तो बच्चों ये वही लिखा है, इस तरीके से हमें पूरा टाइम लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, देखो 39/2016 विल बी एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डेट 30/10/2016 विल बी इंक्लूडेड। सिंपल सा लॉजिक है, हमें ये पता है बच्चों, हम लोग ये कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, हम लोग अलग अलग एक्ट में इसी तरीके से डेट्स निकालते हैं, बट इन केस अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑलरेडी ये क्लैरिफिकेशन दे चुका है, सेक्शन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 9 में। ठीक बात है। तो बच्चों देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है, विदाउट इवन नोइंग कि हम लोग ये सीख रहे थे इतने टाइम से। ठीक है, बट बच्चों हमें ये अब ढंग से पढ़ना है, तो सेक्शन 9 इसी बात को ढंग से बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक बात है, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमें कौन सा पढ़ना है। ओके, तो बच्चों सेक्शन 10 का पहले हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, देखते एग्जैक्टली क्या लिखा है। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अगेन वेरी सिंपल, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका कंटेंट पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, एग्जैक्टली कंप्यूटेशन ऑफ टाइम ये कौन सी चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो बच्चों, सपोज हम लोग निगोशिएबल एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों निगोशिएबल एक्ट अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपको बाउंसिंग ऑफ चेक के प्रोविजन पता होंगे। ठीक बात है। बच्चों देखो, सेक्शन 138 से लेके 142 जो है वो बाउंसिंग ऑफ चेक की बात करते हैं। इसमें बच्चों एक पॉइंट ये क्लियर करता है कि अगर मान के चलो कि आप होल्डर हो चेक के और अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है वो पूरा प्रोसीजर करने के बाद कि अब आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक बात है। बच्चों मैं एकदम एंड वाला पॉइंट इसका बता रहा हूँ कि अगर आप होल्डर हो, आपने रिक्वेस्ट किया है सामने वाले पर्सन को कि सर बाउंस हो गया चेक, उसको टाइम दिया पेमेंट करने का और फिर भी वो टाइम लिमिट पे पे नहीं करता है, तो अब आप क्या करोगे, होल्डर क्या कर सकता है, ऐसे कुछ लिखा है। देखो बच्चों, अगर आपको याद है तो 1 महीने के अंदर कोर्ट में जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ठीक बात है। तो होल्डर को निगोशिएबल है 1 महीने का टाइम दे रहा है कि वो 1 महीने में कोर्ट के पास जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है कि चेक जो उसको मिला था वो बाउंस हो चुका है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे 1 महीने का टाइम जो है ना, ये हम लोग जब निकालेंगे तब हमें सेक्शन 10 की जरूरत पड़ सकती है। कैसे? देखो बच्चों, इमेजिन करो, सपोज 1 महीना जहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज 1 जनवरी, ठीक है, ये लास्ट डेट था और यहां से अब 1 महीना, यहां से हम लोग 1 मंथ कैलकुलेट करें, ठीक है, 1 जनवरी से अब 1 महीने का टाइम मिल रहा है होल्डर को। ठीक है, तो 1 महीना हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। हमने इस एक्ट में ये भी सीखा है बच्चों कि 1 मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर को रेफरेंस दे रहा है और हम लोग को जब 1 मंथ निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनवरी से 30 डेज काउंट नहीं करते। 1 मंथ डजंट मीन 30 डेज, ठीक है। तो 1 मंथ कैसे निकालना है, हमें अगले महीने की 1 तारीख को यहाँ पे 1 मंथ हो गया है ऐसा मानना है। तो बच्चों बेसिकली 1 मंथ कब खत्म होगा, 1 मंथ खत्म होगा 1 फरवरी को। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को संडे आ रहा है, 1 फरवरी को संडे आ रहा है और संडे होने की वजह से कोर्ट बंद था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अपना होल्डर है उसका बोलना क्या है, उसका बोलना है देखो मेरे को तो एक्ट ने 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीना मेरा खत्म होता है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी तक तो मैं जा सकता हूँ कोर्ट के पास। ठीक है, बट 1 फरवरी को मान के चलो संडे आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो अपना होल्डर है ये ऐसा बोल सकता है कि सर देखो मेरे को 1 महीने का टाइम लॉ ने दिया है और क्योंकि 1 महीना जब कंप्लीट हो रहा है तब उस तारीख को संडे आ गया और इस रीजन की वजह से कोर्ट बंद था, तो मैं मंडे को भी यहाँ पे अगर कोर्ट के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करूंगा तो चलेगा क्या। तो आंसर इज यस, जी हाँ। ठीक है, ये चीज कौन क्लैरिफाई कर रहा है, ये चीज सेक्शन 10 क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है जब भी टाइम लिमिट खत्म होता है और उस दिन अगर मान के चलो कोई रीजन की वजह से छुट्टी आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका अगला डे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वी विल रीड द सेक्शन, देखते एग्जैक्टली यहाँ पे इसका लैंग्वेज क्या है। ओके, वेयर By any legislation or regulation, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or any office on a certain day or within prescribed period. यानी कि कोई specific day को आपको court के पास जाना है या फिर आपको prescribed period दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 1 महीने का prescribed period दिया गया है। ठीक है,
देन इफ कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज ऑन दैट डे, ठीक है, उस दिन अगर कोर्ट बंद है और लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड अपना 1 फरवरी आ रहा है, द एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसिडर्ड एज डन और टेकन इन ड्यू टाइम इफ इट इज डन और टेकन ऑन नेक्स्ट डे afterwards on which the court or office is open. मतलब अगर ये अपना जो होल्डर है ये 1 फरवरी को जा रहा था बट संडे था तो ऑफिस बंद था तो ये 2 फरवरी को जाता है तो भी इसने सही किया है ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है. सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, एक एक दिन की वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं, कोर्ट अदरवाइज मना कर देगी इसके यहाँ पे मंडे को अगर ये आता है तो कोर्ट बोलेगी कि आपका 1 महीने का टाइम खत्म हो गया, बट दिस सेक्शन विल कम टू हिज रेस्क्यू, ठीक है. तो सेक्शन 10 कमाल का सेक्शन है, इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पे जो सेक्शंस है ना बच्चों ये हर चीज क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक बात है. हेंस दिस इज राइटली कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑल द लॉज, ठीक है. अच्छा बच्चों आई होप ये एग्जांपल से पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है सेक्शन 10. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं. ओके बच्चों आपको ये रियलाइज हुआ रहेगा कि यहां से बहुत ईजी हो रहा है अभी, बिकॉज एक्चुअली यहां से सच में ईजी है एक्ट, ठीक है. पहले के प्रोविजन शुरुआत में हो सकता है कि आपने एक अलग जजमेंट बनाया है आपके दिमाग में कि बहुत डिफिकल्ट एक्ट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द केस नाउ, ठीक है. सेक्शन 11 में क्या लिखा है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों. इतना इजी है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है. बहुत बार क्या होता है, बहुत बार अलग अलग लॉज में हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है, ठीक है. एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों में, ठीक है. एग्जाम्पल को आप प्लीज दिमाग रखना, ओके. तो बच्चों इंडिया ये टर्म बहुत जगह डिफाइन किया हुआ है, ठीक है. कस्टम्स के लॉज होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लॉज में इंडिया ये वर्ड आता है, ठीक है. एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, एक्ट इंडिया को एप्लीकेबल है, ठीक है. तो बहुत बार क्या होता है बच्चों, बहुत बार इंडिया को डिफाइन किया जाता है, ठीक है. इंडिया में बहुत बार बच्चों डेफिनेशन जो है ना ये मान लीजिए दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज श्रीलंका. मेरी ड्रॉइंग बहुत बुरी है बट बच्चों देखो ये इंडिया एग्जैक्टली इंडिया में क्या कवर किया जाता है पता है. इंडिया में सिर्फ ये इंडिया का लैंडमार्क नहीं आता है, ठीक है, हम लोग वाटर का एरिया भी कवर करते हैं. तो बहुत बार इंडिया को डिफाइन किया जाता है और वहां पे लिखा जाता है कि हम लोग इंडिया मतलब इस डिस्टेंस से आगे इतने नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स मतलब इतना डिस्टेंस जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक बात है बच्चों. सपोज हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालू, ठीक है. डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे को से 10 किलोमीटर कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है. तो ये पॉइंट से मेरे को अगर 10 किलोमीटर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे निकालू, ठीक है. मैं ऐसा निकालू, ठीक है, या फिर मैं स्ट्रेट निकालू लाइन, ओके, या फिर मैं इस तरीके से निकालू. तो बच्चों ये यहां पे सेक्शन 11 क्लैरिफाई करता है. सेक्शन 11 क्या बोलता है, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन में डिस्टेंस मत निकालो, ठीक है. तो ऑब्वियसली बच्चों कैलकुलेशन पूरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है. तो अगर इंडिया से मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं इंडिया से डिस्टेंस कैसे निकालू, तो यहाँ पे आंसर है स्ट्रेट लाइन से आपको निकालना है, ठीक है. क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं निकालोगे और अगर आप कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से डिस्टेंस को मेजर करोगे तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे, ठीक है ना. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के बाद जो भी एक्ट्स बने हैं, ठीक है, उन एक्ट्स में कहीं पे भी अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, दैट डिस्टेंस शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कुछ और ना बोला जाए, बी मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है. हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन से मेजर नहीं करोगे तो डिस्टेंस की कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे. सो दिस इज अगेन क्लैरिफाइड इन सेक्शन 11, ठीक है. तो बच्चों अगर इंडिया का डेफिनेशन दिया है और मान के चलो लिखा गया कि इंडिया में इतने नॉटिकल माइल्स तक का हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये कीवर्ड्स है, आपको ये दिमाग में रखना है, स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी, सही बात है. तो सेक्शन 11 इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके. चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है, ओके. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 12, ठीक है. सेक्शन 12 यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एनैक्टमेंट्स. अच्छा ये क्या होता है बच्चों, आई एम गिविंग यू वेरी इजी एग्जांपल, ठीक है. बच्चों मान के चलो सपोज से अगर यस 10 केजीज, मान के चलो सपोज
कोई एक्ट में ऐसा लिखा है, सपोज दिस इज अ रैंडम एग्जांपल, ओनली टू मेक श्योर कि आपको ये समझ रहा है, ठीक है, सपोज 10 केजीज हम लोग से कोई चीज का इंपोर्ट करते हैं ऑफ गुड एक्स, ठीक है, सपोज इतना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं 10 केजीज ऑफ गुड एक्स, ठीक है, तो इसके लिए सपोज लॉ मेकर ने बोला है, क्योंकि अगर आप 10 किलो इंपोर्ट करोगे गुड एक्स का तो आपको कस्टम्स ड्यूटी भरना पड़ेगा से 100 रुपए का, अगर आप 10 किलो गुड एक्स का इंपोर्ट करोगे तो आपको 100 रुपीज कस्टम्स ड्यूटी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लॉ मेकर ने क्या किया, लॉ मेकर ने 10 केजीज ऑफ गुड एक्स के लिए 100 रुपए भरना है, इतना ही लिखा है, ठीक बात है। अब क्या होता है बच्चों, मान के चलो सपोज कोई पर्सन है जो 5 किलो इंपोर्ट कर रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ में तो 10 केजीज का यहाँ पे कैलकुलेशन का यहाँ पे हिसाब दिया है। अगर सपोज ऐसा लिखा है कोई एक्ट में कि 10 केजी अगर आप कोई गुड एक्स का इंपोर्ट करोगे तो आपको 100 रुपए कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, तो 5 किलो का कैसे निकालो। तो बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये आपको सिंपल मैथ अप्लाई करना है, हम लोग करते भी ऐसा ही, ठीक है। तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, सर कितना ईजी है, छोटा बच्चा भी कर लेगा, ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 10 केजीज के लिए 100 है तो 5 केजीज के लिए सर 50 होगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। बट यही चीज सेक्शन 12 क्लैरिफाई कर रहा है, सेक्शन 12 भी यही बात बोल रहा है। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एनएक्टमेंट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रो राटा, प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट ये सिर्फ इतना बता रहा है, कोई एक्ट में अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूटी को कैलकुलेट करने का रेफरेंस दिया है तो अगर आपको ड्यूटी कैलकुलेट करना है तो आप उसी रेफरेंस के तौर पे यूज करना है और आपको प्रो राटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर चीज का हिसाब करना है, ठीक है। मान के चलो किसी ने सपोज 100 केजीज मंगा लिए, तो वेरी सिंपल 10 केजी का 100 रुपए तो 100 केजीज का कितना होगा 1000 रुपए। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, आप प्रोपोर्शनेटली निकाल रहे हो, इसी के बारे में लिखा है सेक्शन 12 में, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, इसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। वेयर बाय एनी एनएक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हियर आफ्टर टू बी इन फोर्स एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, कस्टम्स का एग्जांपल मैंने दिया है, और एक्साइज, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, कस्टम्स इंपोर्ट पे लगता है, और इन नेचर देयरऑफ इज लेवेबल ऑन एनी गिवन क्वांटिटी बाय वेट मेजर और वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज, then a like duty is levable according to the same rate on any greater or less quantity। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर आपको 10 kgs ये weight के हिसाब से यहाँ पे duty का calculation दिया act में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही type का rate लगाएंगे अगर less quantity है more quantity है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे example में आपको बताया 10 kgs का हिसाब दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी हिसाब से proportionately 5 kgs का भी हिसाब निकालना है और 100 kgs का भी आप हिसाब निकालोगे। Again, this is very simple. ये हम लोग करते ही आए हैं बच्चों अभी तक, बट हम लोगों को सेक्शन 12 ये अलग से क्लैरिफाई करा कि देखो ये ऑलरेडी इसका एक अलग लॉ बनाया, ठीक बात है, अच्छा ओके। सो दिस इज वेरी 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 इजी, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या लिखा है। ओके बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन 13, इसका नाम है जेंडर एंड नंबर, ठीक है। अच्छा जेंडर एंड नंबर क्या है बच्चों, जेंडर के बारे में तो मैंने आपको एकदम शुरुआत में बोला था, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि ही विल ऑल्सो इंक्लूड शी, ठीक है। बच्चों बहुत सारे लॉज है ना वो ही हिम इस लैंग्वेज से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो कंपनीज एक्ट में लिखा है ही शैल बी लायबल, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि फीमेल जेंडर को भी वो इक्वली एप्लीकेबल है, इवन शी विल बी लायबल, अगर डायरेक्टर कोई फीमेल है तो उसको भी यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल करो, उसको भी पनिशमेंट होगा, ठीक बात है। तो ये चीज अगेन सेक्शन 13 में लिखी गई है बच्चों, आपको ये याद रहना चाहिए, मैंने शुरुआत ही इसी एग्जांपल से की थी, इस एक्ट की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, इन ऑल लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब जब तक कुछ और उल्टा मीनिंग ना निकले, ठीक है, कुछ और कॉन्ट्ररी या अपोजिट ना हो, ठीक है, इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स, मतलब अगेन तो यहाँ पे दोनों भी जेंडर करोगे, तो अगर कोई एक्ट में ही ऑब्लिक शी, ठीक है, हिम ऑब्लिक हर ऐसा नहीं लिखा है तो भी हमको क्या मीनिंग निकालना है, ही विल इंक्लूड शी, हिम विल आल्सो इंक्लूड हर, ठीक है। अच्छा और क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे लिखा है वर्ड्स इन सिंगुलर शैल इंक्लूड प्लूरल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बच्चों, सिंगुलर में प्लूरल भी आएगा, मतलब सपोज मान के चलो कंपनीज एक्ट में लिखा है दैट डायरेक्टर शैल बी लायबल, डायरेक्टर शैल बी
लायबल। ठीक है, सब कुछ कंपनीज एक्ट में बहुत सारे पेनल्टी के प्रोविजन है बच्चों, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में पेनल्टी होता है। ठीक है, डायरेक्टर शाल भी लायबल ऐसा लिखा है। अच्छा, मान के चलो कोई कंपनी में चार डायरेक्टर है और चारों ने वो गलत काम किया, तो क्या चार में से सिर्फ एक को ही हम लोग लायबिलिटी सहन करने देंगे? आंसर इज नो। डायरेक्टर इज शाल बी लायबल का मीनिंग ये होगा, डायरेक्टर्स शाल बी लायबल। सिंगुलर के लिए प्रोविजन अगर बनाया तो उसमें प्लूरल भी इंक्लूड हो गया, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो जो डायरेक्टर शाल बी लायबल अगर ऐसा लिखा है, और अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन को चार लोगों ने वॉयलेट किया, चार डायरेक्टर ने यहाँ पे कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो चारों के चारों डायरेक्टर लायबल हो जाएंगे, बिकॉज सिंगुलर विल ऑल्सो इंक्लूड प्लूरल। यही यहाँ पे सेक्शन 13 क्लैरिफाई कर रहा है। बच्चों आप लोग देख सकते हो एक हिसाब से ये जो लॉ है ना, वो बाकी लॉ के लैंग्वेज को भी शॉर्ट कर रहा है। हर जगह ही ऑब्लिक शी, हिम ऑब्लिक हर लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह डायरेक्टर ब्रैकेट में एस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता था हमें, हमें ऐसा लिखना पड़ता था डायरेक्टर सिंगुलर, ठीक है, ब्रैकेट में एस, मतलब प्लूरल भी हो सकता है। क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ये सेक्शन बना है क्लैरिफाई करने के लिए वो चीज को। ठीक है, सो दिस एक्ट इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू इंटरप्रेट ऑल द अदर लॉज। अच्छा ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स आप लोग नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली और क्या लिखा है। देयर इज दिस वेरी वेरी सिंपल सेक्शन, सेक्शन 14। अच्छा ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है बच्चों, इसका हेडिंग पहले पढ़ते हैं हम लोग। पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, एकदम सिंपल। यहाँ पे सेक्शन 14 है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो मीनिंग क्या है। मान के चलो सपोज कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कोई चीज का। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई चीज का पावर दिया है। ओके, अच्छा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर का इस्तेमाल कब करेगी? आंसर इज जब उनकी मर्जी है तब करेगी, जब उन्हें लग रहा है कि उनके पावर्स को यूज करना चाहिए तब वो यूज करेगी। ठीक बात है, सो दिस इज द ओनली पॉइंट सेक्शन 14 इज टेलिंग अस। ठीक है, सेक्शन 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 ये बोलता है कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट है जैसे कि कंपनीज एक्ट, और इस सेंट्रल एक्ट ने कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी को पावर दिया कि ये कुछ रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो ये अपने पावर कब एक्सरसाइज करेंगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम मतलब व्हेनेवर द नीड अराइजेस। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इनके पावर का इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आपने ये सीखा है कि सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है, याद नहीं आ रहा है बच्चों तो याद दिलाता हूं। सेक्शन 8 कंपनीज ये वो कंपनीज है जिनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटो नहीं होता है। तो हमने ये पढ़ा है बच्चों, हमने ये सीए फाउंडेशन लेवल पे भी सीखा था। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनीज में बच्चों क्या होता है, देखो अगर किसी को भी सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट करनी है तो लाइसेंस लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, लाइसेंस कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइसेंस कैंसिल भी कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती भी है और लाइसेंस को कैंसिल भी करेगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कब करेगी? जब उन्हें लगेगा कि कोई कंपनी ने अपने यहां पे लाइसेंस का गलत पर्पस के लिए यूज किया, ऑब्जेक्ट जो बोला गया वो नहीं यूज किया है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कंपनी का बिजनेस चल रहा है, तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल करेगी। कब करेगी? जब भी उन्हें लगेगा तब करेगी। ठीक है, तो यही चीज लिखा है सेक्शन 14 में। तो जो भी पावर किसी भी अथॉरिटी को दिया गया है कोई एक्ट में, तो एक्सरसाइजेबल होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम एज नीड अराइजेस। दिस इज क्लैरिफाइड इन सेक्शन 14। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बच्चों वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दिया मैंने, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट, दिस एक्ट मतलब ये एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा और दिस एक्ट में आएगा जनरल क्लॉजेस एक्ट। एनी पावर इज कन्फर्ड देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स दैट पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजन अराइजेस रिक्वायर्स। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है तो आप बिल्कुल रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हो उसको। बच्चों नेक्स्ट सेक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है सेक्शन 15। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन, बट कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये सेक्शन में कुछ कंफ्यूजन रहे, तो ये कंफ्यूजन मैं अवॉइड करूंगा विद अ वेरी वेरी इजी एग्जांपल।
ठीक है, तो यहाँ पे पहले हेडिंग हम लोग पढ़ लेते बच्चों। देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा है पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। अच्छा, तो पहले तो ये एक्स ऑफिशियो एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, जो एक्स ऑफिशियो इज वेरी सिंपल टर्म। एक्स ऑफिशियो के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे फिर एक्स ऑफिशियो का मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का आपको एग्जाम्पल लू, ठीक है, तो बच्चों विराट कोहली जो है he is the captain of the Indian cricket team, okay? और रोहित शर्मा जो है, right? रोहित शर्मा is the vice captain. सही बात है? विराट कोहली captain है, रोहित शर्मा vice captain है. अच्छा, बच्चों मान के चलो कोई reason की वजह से विराट कोहली injured हो गए और वो नहीं खेल पा रहे, कोई game में वो available नहीं है, ठीक है? तो बच्चों अगर captain injured होते हैं, तो automatically vice captain will now take the place of captain. सही बात है। इन शॉर्ट, अगर विराट कोहली कोई रीजन की वजह से नहीं खेल पा रहे, तो अब उनके जगह कैप्टनशिप को किसको दी जाएगी? वाइस कैप्टन को। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि रोहित शर्मा एक्स ऑफिशियो जो है वो अब कैप्टन बन जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या? ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, एक्स ऑफिशियो का मीनिंग ये होता है कि आपको कोई और पोजिशन मिल रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ऐसे एक पोजिशन में थे। ठीक है, जैसे कि वाइस कैप्टन के पोजिशन में होने की वजह से रोहित शर्मा को ऑटोमेटिकली कैप्टन का पोजीशन एंजॉय करने मिल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं एक्स ऑफिशियो। सही बात है। देखो इसका मीनिंग ये नहीं है कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया, रोहित शर्मा कैप्टन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे बिकॉज वो वाइस कैप्टन थे। ठीक बात है, ओके। तो बच्चों ये हो गया है अपना एक्स ऑफिशियो टर्म। अच्छा, तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? मान के चलो सपोज कंपनीज एक्ट में कोई काम चेयरमैन को करना है, ठीक है, ओके। और अगर सपोज चेयरमैन अवेलेबल नहीं, तो हो सकता है शायद कि वाइस चेयरमैन जो है वो चेयरमैन का पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो भी वाइस चेयरमैन है ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक बात है, तो ये हो गया एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब कोई पर्सन को ऐसा एक पोजिशन एंजॉय करने मिल रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्स ऑफिशियो कहते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने बोला है कि वाइस कैप्टन कैप्टन के पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि इनका पहले जो रोल था वो वाइस कैप्टन का था, बट अब कैप्टन अवेलेबल नहीं, तो अब वाइस कैप्टन जो है वो कैप्टन की जगह ले लेंगे। इसे हम लोग एक्स ऑफिशियो कहते हैं। सही बात है। ठीक है, तो बच्चों प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन जो है वो चेयरमैन की जगह ले लेगा। कैप्टन नहीं है, तो वाइस कैप्टन विल रिप्लेस द कैप्टन। ये सारे एक्स ऑफिशियो के एग्जांपल्स है। तो यहां पे वही लिखा है पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्जैक्टली क्या लिखा है हम लोग ये पढ़ते हैं। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इज कन्फर्ड देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एनी सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड आइदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। मतलब बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस मतलब क्योंकि रोहित शर्मा का जो पोजिशन था वो वाइस कैप्टन का था, तो ये ऑटोमेटिकली अब कैप्टन की जगह ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ऑफिस इस तरीके का होता है, कोई पर्सन ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कि ऑटोमेटिकली उन्हें वो पोजीशन दूसरा मिल रहा है क्योंकि उनका ऑफिस वैसा था। ठीक है, जैसे कि वाइस चेयरमैन जो है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन रहे हैं। सही बात है, इन्हें कोई अपॉइंट नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजर होगा बिकॉज ऑफ द पोजिशन एज वाइस चेयरमैन द पर्सन इज नाउ बिकमिंग चेयरमैन बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा's पोजिशन एज वाइस कैप्टन He is now becoming captain. ठीक है, तो यहाँ लिखा ex officio बच्चों ये Latin word है, ठीक है, which means by virtue of one's position or office. किसी person के position या office के वजह से उसे कोई दूसरा position मिल रहा है। रोहित शर्मा के vice captain होने के वजह से इन्हें captain का role मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्हें captain बोल के appoint किया गया है, ये automatically वो captain का position ले रहे हैं क्योंकि ये पहले vice captain थे। So this is the meaning of ex officio. Okay, provision under this section states that where there is power to appoint, the appointment may be made by appointing ex officio as well. तो अगर कोई person को power दिया गया appoint करने का, तो ex officio भी appoint हो सकते हैं। ये section 15 clarify कर रहा है। I hope ये दो तीन examples से आपको ये concept ex officio का clear हो चुका है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे का point हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं अगला section यहाँ पे क्या बोल रहा है। Very very easy again. Section 16. ठीक है। तो बच्चों सेक्शन 16 का हेडिंग देखते क्या लिखा है। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिस्मिस। बहुत इजी है बच्चों, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो पर्सन
आपको अपॉइंट कर रहा है वही पर्सन आपको निकाल भी सकता है। ठीक बात है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो किसी एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, इतना ही लिखा है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो पर्सन को सस्पेंड भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है, ठीक है, टेम्पररी परमानेंट हम लोग निकाल भी सकते हैं वो पर्सन को, अगर लॉ ने कोई एंटिटी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई अथॉरिटी को यहाँ पे कुछ पावर दिया है अपॉइंट करने का, तो सस्पेंड और डिसमिस करने का भी पावर रहेगा। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल मैं आपको शुरुआत में भी दे चुका हूं बच्चों, तो एकदम जो अपना ओरिजिनल वीडियो था उसमें शुरुआत में मैंने आपको सेम पॉइंट डिस्कस किया था। सो दिस इज समथिंग विच इज गिवन क्लियरली इन सेक्शन 16। ओके, पढ़ के देखते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा है। द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग पावर टू मेक अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो हैव पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन अपॉइंटेड वेदर बाई इटसेल्फ और अदर अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर। ठीक बात है, मतलब अगर अपॉइंट करने का पावर है तो सस्पेंड और डिसमिस करने का भी पावर ऑटोमेटिकली रहेगा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। यस, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। अच्छा ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज? बच्चों दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज में मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया था एक्स ऑफिशियो का, इसी तरीके से सपोज मान के चलो चेयरमैन है, राइट? ठीक है बच्चों, चेयरमैन को साइन करना चाहिए, चेयरमैन को साइन करना चाहिए मिनट्स बुक को। ठीक है, जनरल मीटिंग का जो भी मिनट बुक बनता है, ठीक है, उसको चेयरमैन साइन करते हैं। ये हम लोग कंपनीज एक्ट में सीख चुके हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मिनट्स बुक बनते हैं जनरल मीटिंग के, उसको चेयरमैन सेम मीटिंग का साइन करना चाहिए। बट अगर कोई रीजन की वजह से चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया चेयरमैन का, ऐसा कुछ अगर सर्कमस्टेंस अराइज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर को ऑथोराइज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके जो डायरेक्टर को ऑथोराइज कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ये पर्सन साइन करेंगे। अब क्योंकि चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, तो अब चेयरमैन की जगह कौन साइन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस डायरेक्टर को ऑथोराइज कर रहे हैं, जिस पर्सन को यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, वो साइन कर सकते हैं। अच्छा मान के चलो मिस्टर ए चेयरमैन थे, ठीक है, बट इनका डेथ हो गया, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, मिस्टर बी नाम के दूसरे किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज किया, तो मिस्टर बी मिनट बुक को साइन करेंगे। बट जब मिस्टर बी मिनट बुक को साइन करेंगे तब वो चेयरमैन नहीं बन गए। ठीक बात है, क्योंकि मिस्टर बी चेयरमैन का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर बी खुद चेयरमैन बन गए, नो ऐसा नहीं होगा ना इसका मीनिंग। तो अब क्या करना है, तो अब बच्चों जब भी मिस्टर बी सिग्नेचर करेंगे, तो सिग्नेचर के ब्रैकेट में उन्हें इनका डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है। मतलब देखो अगर मिस्टर बी साइन करते हैं तो इन्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट ही इज डायरेक्टर एंड ही इज साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ, ये साइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ, ये साइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन, तो चेयरमैन के जगह ये साइन कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, अदरवाइज देयर विल बी अननेसेसरी कंफ्यूजन दैट मिस्टर बी इज द चेयरमैन, फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब मिस्टर बी जब चेयरमैन के जगह पे मिनट बुक को साइन करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर है और इन्हें परमिशन मिला है और ये चेयरमैन के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं। सही बात है, सो दिस इज गिवन हियर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी इज वेरी इजी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी मतलब मिस्टर बी ने सब्स्टिट्यूट किया है मिस्टर ए को फॉर दिस सिग्नेचर पर्पज, ठीक है, साइन करने के पर्पज के लिए मिस्टर बी आ गए हैं मिस्टर ए के जगह पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये लिखना जरूरी है कि किसके लिए ये साइन किया जा रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है बच्चों, एक बार हम लोग इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी सफिशियंट फॉर पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस और दैट ऑफ अदर और दैट ऑफ द ऑफिसर बाय होम फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। मतलब इन शॉर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि हमें ऑफिशियल टाइटल लिखना पड़ेगा हमारा ब्रैकेट में, जैसे कि मिस्टर बी ब्रैकेट में लिखो डायरेक्टर, नहीं लिखोगे तो लोग समझेंगे ये खुद चेयरमैन है। ठीक बात है ना,
तो यही यहाँ लिखा है, जब भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कोई और पर्सन आ जाता है, तो इन्हें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि ये एज सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है कोई और पर्सन को, इनका टाइटल इनको लिखना जरूरी है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच इजी नाउ, और बच्चों ये इस एग्जाम्पल से होपफुली क्लैरिफाई हो चुका है, ठीक है। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इजी है नेक्स्ट सेक्शन भी, यस। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 18 एंड टॉक्स अबाउट सक्सेसेस। अच्छा, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है बच्चों, सक्सेसर हम लोग किसको बोलते हैं, पहले सिंपल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों, एग्जाम्पल जो है ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है, मिस्टर ए शेयर होल्डर है, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। अगर शेयर होल्डर है मिस्टर ए और इनका डेथ होता है, तो अब शेयर्स किसे मिलेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी कोई पर्सन का डेथ होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेथ के बाद अब एग्जैक्टली प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा ना कि शेयर्स किसको मिलेंगे, ठीक है। तो ये केस में देखो, ये केस में मिस्टर शेयर होल्डर थे, डेथ हो गया, तो अब शेयर्स किसे मिलेंगे। तो बच्चों हम लोग है ना एग्जैक्टली क्या करते हैं, देखो जब भी कोई पर्सन कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, डीमैट अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, और जब हम लोग डीमैट अकाउंट बनाते हैं ना, तब हम लोग नॉमिनी के तौर पे कोई पर्सन को मेंशन करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मिस्टर ए का डेथ होता है, शेयर होल्डर मर गया है, तो अब शेयर होल्डर के जो शेयर्स थे वो नॉमिनी को मिलेंगे, और इसी को हम लोग ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आपने सीखा होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है बच्चों। ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, देखो अगर नॉमिनी कौन है, नॉमिनी के प्रोविजंस नहीं होंगे, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि शेयर्स किसको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। यही चीज जो है ना यहाँ पे सेक्शन 18 अलग तरीके से बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, मिस्टर एम मेंबर है ओपीसी का, राइट, और अगर मान के चलो इसका डेथ हो गया, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, हमने सीखा है बच्चों ये ऑलरेडी, ठीक है, 1% कंपनी। अगर मान के चलो मिस्टर एम ओपीसी का मेंबर है और इसका डेथ हो गया है, तो अब कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ हैज गॉट द पावर टू डिस्ट्रॉय इट। मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ये आपने सीखा है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन नाम के कॉन्सेप्ट में। तो अगर मिस्टर एम जो मेंबर है ओपीसी का, अगर इसका डेथ होता है, तो कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि हमने सीखा है कि नॉमिनी आ जाएगा और नॉमिनी जो है वो मेंबर की जगह लेगा, ठीक बात है। बच्चों नॉमिनी के प्रोविजंस ये किधर लिखे, ये ऑलरेडी लिखे हैं कंपनीज एक्ट में, क्योंकि नॉमिनी के प्रोविजंस लिखे हैं, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सर कंपनी बंद नहीं होगी और नॉमिनी जो है वो अब मिस्टर एम की जगह लेगा, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, सक्सेसर के बारे में लॉ में लिखना जरूरी है अगर आपको परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करना है, तो ये सेक्शन 18 क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 18 सिंपली ये बोलता है कि हर एक्ट में ये लिखना जरूरी है, ये लिखना चाहिए कि अगर कोई स्पेसिफिक एंटिटी जो है वो अगर परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करना चाहती है, तो नॉमिनी के क्लॉजेस, नॉमिनी के पॉइंट्स, सक्सेसर के पॉइंट्स लिखना जरूरी है, और हम उस एक्ट को उसी तरीके से इंटरप्रेट भी करेंगे फिर, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सारे के सारे मेंबर्स मर गए, तो क्या कंपनी भी बंद होगी? आंसर इज नो, कंपनी बंद नहीं होगी, अगेन बिकॉज कंपनी इज एन एंटिटी विच इज एंजॉइंग परपेचुअल सक्सेशन। तो यही यहाँ पे बच्चों सक्सेसर वाला पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा है, पढ़कर देखते हैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली क्या लिखा है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इट शुड बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू सक्सेसर्स ऑफ एनी फंक्शनरीज और ऑफ कॉर्पोरेशंस हैविंग परपेचुअल सक्सेशन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन टू फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशंस, ठीक है। मतलब लॉ जो है, रिलेशन ऑफ लॉ टू द सक्सेसर्स ऑफ एनी फंक्शनरीज, हमें बताना जरूरी है बच्चों, ठीक है। सक्सेसर का लॉ जो है वो डिफाइन करना जरूरी है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेंबर का डेथ होता है ओपीसी में, तो नॉमिनी आ जाएगा उसकी जगह पे, तो लॉ ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर कोई एंटिटी को, कोई कॉर्पोरेशन को परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करना है, तो लॉ ऑफ सक्सेसर जो है वो बताना जरूरी होता है। दिस इज अगेन क्लैरिफाइड इन सेक्शन 8, ओके बच्चों। यहां पे सेक्शन 18 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, देखते हैं अब आगे बढ़ के नेक्स्ट सेक्शन जो है वो क्या बात कर रहे हैं, ओके ओके बच्चों। अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 19, ठीक है, और इसका हेडिंग है ऑफिशियल चीफ्स एंड और ऑफिशियल चीफ्स एंड सबॉर्डिनेट्स, ठीक बात है।
ओके सो सेक्शन 19 का हेडिंग है बच्चों ऑफिशियल चीफ्स एंड सबॉर्डिनेट्स. दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन. मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले जिससे ये चीज पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी. ठीक है तो बच्चों देखो एग्जैक्टली क्या होता है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि चेयरमैन को साइन करना चाहिए मिनट्स बुक को. ठीक है बट अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक डायरेक्टर को ऑथोराइजेशन दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा और ये इनके जगह साइन करेंगे. ठीक बात है. तो बच्चों अभी इसका मीनिंग है, देखो अगर कोई डायरेक्टर है और ये चेयरमैन का काम करता है. ठीक है तो बच्चों अगर जो प्रोविजंस चेयरमैन के लिए एप्लीकेबल होंगे वही प्रोविजंस अब डायरेक्टर को भी फेस करना पड़ेगा बिकॉज नाउ ही इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ चेयरमैन. ठीक बात है. मतलब अगर मान के चलो लॉ मेकर ने बोला था कि चेयरमैन जो है वो अगर सही तरीके से अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो चेयरमैन के लिए पेनाल्टी के कुछ प्रोविजंस थे. अब यही पेनाल्टी के प्रोविजंस इन डायरेक्टर को यहाँ पे सहन करना पड़ेगा क्योंकि ये अब चेयरमैन के जगह पे इनका काम कर रहे हैं, चेयरमैन का काम कर रहे हैं. ठीक बात है. तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा है ऑफिशियल चीफ्स एंड सबॉर्डिनेट्स. ठीक है तो जो लॉ मेन पर्सन को एप्लीकेबल था वही लॉ अब सबॉर्डिनेट को भी एप्लीकेबल होगा अगर सबॉर्डिनेट मेन पर्सन को रिप्लेस करता है तो. ठीक बात है. इन सिंपल वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको एक्स ऑफिशियो का भी एग्जांपल बोला था बच्चों. ठीक है कि अगर सपोज से फॉर एग्जांपल कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन कैप्टन की जगह लेगा और जो लॉ कैप्टन को एप्लीकेबल है वो अब वाइस कैप्टन को एप्लीकेबल होगा बिकॉज नाउ ही इज डूइंग द वर्क ऑफ कैप्टन. राइट. तो बच्चों डायरेक्टर जो है वो अगर चेयरमैन का काम करते हो और अगर इन्होंने सही काम नहीं किया तो जो प्रोविजंस चेयरमैन को एप्लीकेबल थे पेनल्टी के वो डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा. दिस इज क्लैरिफाइड हियर. सेक्शन 19 इसी चीज को क्लैरिफाई करता है. ठीक है. अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर. चीफ और सुपीरियर मतलब जो यहाँ पे चेयरमैन है ओके ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई टू डेप्यूटीज और सबॉर्डिनेट्स लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर. ठीक बात है. तो डायरेक्टर ने जो चेयरमैन का काम किया है और अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो जो लॉ मेकर्स ने चेयरमैन को पेनल्टी के प्रोविजंस बताए थे वही पेनल्टी के प्रोविजंस अब डायरेक्टर को लग जाएंगे बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क ऑफ चेयरमैन. ठीक है. तो यही चीज यहां लिखा है. दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल 12 सेंट्रल एक्ट्स मेड आफ्टर 3rd डे ऑफ जनवरी 1868 एंड टू ऑल द रेगुलेशंस मेड ऑन और आफ्टर 14th डे ऑफ जनवरी 1881. तो खाली बताने की कोशिश की जा रही है कि इन डेट्स के बाद जो भी लॉज बने सबको ये सेक्शन 19 एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक बात है. दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों. ये यहां से लेके यहां तक आपको दिमाग रखना है. दिस इज बेसिकली सेक्शन 19. ओके बच्चों आगे बढ़ते देखते हैं अगला सेक्शन और कौन सी चीज की जानकारी हमें दे रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 20 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स इट इज इश्यूड अंडर एनएक्टमेंट्स. अच्छा ये एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों. देखो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे. बहुत बार एक्ट बनने के बाद एक्ट तो बन गया बट एक्ट बनने के बाद में बहुत बार से सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर ट्रिब्यूनल का ठीक है या फिर जो भी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का इनका ऑर्डर आता है ओके और ऑर्डर में कुछ टर्म्स लिखे गए. तो बच्चों वो टर्म का मीनिंग हम लोग कैसे निकालेंगे. देखो टर्म का मीनिंग उसी तरीके से निकालना है जो एक्ट में जिस टर्म को जैसे डिफाइन किया वैसा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलो सपोज से एक्ट का एग्जांपल है सपोज से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ठीक है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये सही तरीके से लिखा गया. ठीक है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रिब्यूनल का या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आता है जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये वर्ड लिखा है. ठीक है. तो बच्चों ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये वर्ड का हम लोग ऑर्डर में कैसे मीनिंग निकालेंगे. वही मीनिंग निकालना है जो एक्ट में लिखा है. ठीक है. तो जो ऑर्डर में हमें अगर कोई टर्म को इंटरप्रेट करना है तो हम लोग सिंपली एक्ट को रेफर करेंगे जहां पे वो टर्म को लिखा गया. ठीक बात है. बच्चों ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो अगर कोई ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का जिसमें कंपनी वर्ड लिखा है तो हम लोग कंपनी वर्ड का मीनिंग कैसे निकालेंगे. वही मीनिंग निकालना है जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है और हम लोग वही मीनिंग निकालेंगे ऑर्डर में अगर कुछ वर्ड को इंटरप्रेट करना है तो. तो ये लिखा गया है सेक्शन 20 में कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स ईटीसी इश्यूड अंडर एनएक्टमेंट्स. ठीक बात है. अच्छा तो यहां लिखा देखो बच्चों वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू एनी नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम रूल फॉर्म और बायलॉ इज कन्फर्ड
देन एक्सप्रेशन यूज इन द नोटिफिकेशन, एक्सप्रेशन यूज इन द नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म और बायलॉ शाल, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, हैव सेम रेस्पेक्टिव मीनिंग एज इन एक्ट और रेगुलेशन कन्फरिंग पावर। ठीक बात है, इनकम टैक्स के बच्चों इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक बात है, इतने सारे सर्कुलर्स इशू होते हैं इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है इसमें असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है, AY, ठीक है। तो बच्चों अगर मान के चलो गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आ गया, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट का कुछ ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में AY ये वर्ड लिखा गया, तो हम लोग ये AY वर्ड को कैसा इंटरप्रेट करेंगे, वही मीनिंग निकालना है जो एक्ट में लिखा है। एक्ट में असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है, तो ऑर्डर में भी असेसमेंट ईयर का मीनिंग वही निकालना होगा। दिस इज गिवन इन सेक्शन 20, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप लोग नोट भी कर सकते हो बच्चों, जिससे आपको ये चीज आसानी से और समझने में मदद होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 21, बहुत आसान है ये भी। पावर टू इश्यू टू इंक्लूड पावर टू अमेंड एंड वेरी और रिसाइंड नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रूल्स और बायलॉज, सिंपल लैंग्वेज के, इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये होगा, जो पर्सन को पावर था कोई चीज को इशू करने का, ठीक है, वही पर्सन को पावर रहेगा उसको अमेंड करने का, ऐड करने का, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ को बनाने का, गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों पार्लियामेंट में किस हिसाब से लॉ को बनाया जाता है, सही बात है। तो गवर्नमेंट अगर लॉ को बना सकती है तो गवर्नमेंट इस लॉ को अमेंड कर सकती है, ऐड कर सकती है उसमें कुछ पॉइंट्स, उसको चेंज भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है। तो बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है कि जिस एंटिटी को पावर था लॉ को बनाने का, उसी एंटिटी को पावर भी रहेगा उसे अमेंड करने का, ऐड करने का, कोई प्रोविजन हटाने का, कोई प्रोविजन चेंज करने का। आप लोग ये देख सकते हैं बच्चों इनकम टैक्स एक्ट के साथ तो कितने बार होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट को तो हर साल हम लोग अमेंड करते हैं, सही बात है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो बच्चों अगेन यही चीज सेक्शन 21 में लिखी गई है, ठीक है। तो जिसके पास पावर है लॉ को बनाने का, उसके पास पावर भी रहेगा उसी लॉ को चेंज करने का, कैंसिल करने का, रिसाइन करने का, राइट, अगेन रिवाइव करने का, अमेंड करने का, वेरी करने का। तो ये सब लिखा है सेक्शन 21 में, राइट। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। बाय एनी लेजिस्लेशंस और रेगुलेशंस अ पावर टू इशू नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रूल्स और बायलॉज इज कन्फर्ड, देन दैट पावर एक्सरसाइजेबल इन द लाइक मैनर एंड सब्जेक्ट टू लाइक सैंक्शन एंड कंडीशंस इफ एनी टू अमेंड टू ऐड वेरी और रिसाइन एनी नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रूल्स और बायलॉज इशू। मतलब जिसके पास पावर था इशू करने का, उसी के पास पावर रहेगा उसको ऐड करने का, अमेंड करने का, वेरी करने का, रिसाइन करने का, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। तो बच्चों ये लिखा है सेक्शन 21 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते एग्जैक्टली क्या लिखा है। यस, सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 22, और बच्चों इसका हेडिंग पढ़ते क्या लिखा है। मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनएक्टमेंट। अच्छा बच्चों ये जो भी लिखा है ना, इसको मैं समझाऊंगा एकदम आसान से एग्जाम्पल से, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा रखा है जिसकी डेट होपफुली आपको आज भी याद है, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रोबेबली दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ जो कोई स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को CPT या CA फाउंडेशन लेवल में सही तरीके से पढ़ा, ढंग से, तो आपको ये याद होगा कि शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 25th अप्रैल 1872 को पास हुआ था, सही बात है, ठीक है। अच्छा, और इसका एप्लीकेबिलिटी जो था, मतलब इसका कमेंसमेंट का डेट था 1st September 1872। अच्छा तो बच्चों ऐसा हो सकता है क्या 25 अप्रैल को पास हो चुका है लॉ, बट इसका एप्लीकेशन करना है 1 सितंबर को? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बच्चों अभी मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, सपोज, अगेन दिस इज एन अजम्पशन, ये रैंडम एग्जांपल में बता रहा हूं, राइट। बच्चों 25 अप्रैल को लॉ पास हो चुका है, एप्लीकेशन इसका करना है, कमेंसमेंट होगा 1 सितंबर से, ठीक है। अभी देखो अप्रैल से सितंबर अच्छा खासा टाइम फ्रेम है यहां पे बीच में, ठीक है। अगर इस टाइम के दौरान, कौन से टाइम के दौरान, डेट ऑफ पासिंग से लेके डेट ऑफ कमेंसमेंट के बीच में, मान के चलो लॉ मेकर ने कोई रूल को अमेंड कर दिया, कोई प्रोविजन को चेंज कर दिया, ठीक है, करना नहीं चाहिए बट अगर कर दिया तो क्या होगा।
एनी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर ईटीसी इन दिस टाइम शाल अप्लाई आफ्टर कमेंसमेंट. मतलब देखो, अगर आपने इस टाइम के दौरान गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस लाए हैं लॉ में जो यहाँ पे एक्चुअली लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना नया एक्ट अगर है, मतलब इतना नया, मतलब बेसिकली देखो अभी जस्ट पास हुआ है, ठीक है, और आप इसके कमेंसमेंट के पहले ही चेंजेस ला रहे हो, नॉट डन, राइट, ठीक है. बट मान के चलो सपोज गवर्नमेंट जो है वो उनको लगता है कि यार कुछ चेंजेस लाना जरूरी है, ठीक है, तो सपोज इन्होंने क्या किया, बीच में 25 अप्रैल और 1 सितंबर के बीच में सपोज गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ला लिया, नोटिफिकेशन लाया, सर्कुलर इशू कर दिया, अमेंडमेंट ला लिया कुछ, तो ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर जो भी है ये कब से एप्लीकेबल होगा? देखो भाई, अभी तो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लॉ एप्लीकेबल कब होने वाला है? 1 सितंबर के बाद, ठीक है. तो ये जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर जो है ना, ये भी लॉ कमेंसमेंट होते ही एप्लीकेबल होगा, बीच में से एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्ट ही अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक बात है. सो दिस इज क्लैरिफाइड इन सेक्शन 22, वही लिखा है यहाँ पे, मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनएक्टमेंट, ठीक है. तो एनएक्टमेंट पास हुआ है और कमेंस हुआ है, उसके बीच में जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे कि कुछ भी चेंजेस अगर आप लाते हो तो हम लोग डेट ऑफ कमेंसमेंट से इन्हें एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल से, होपफुली ये भी क्लियर हो चुका है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते क्या लिखा है. प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग रूल्स बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन. अच्छा, सेक्शन 23, ये एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? कुछ कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें पब्लिकेशन के थ्रू ही पास करना पड़ता है. अच्छा, ये पब्लिकेशन के थ्रू पास करना, इसका मीनिंग क्या है, ये क्लैरिफाई किया गया है सेक्शन 23 में. ओके, तो यहां पर क्या लिखा, देखो, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग रूल्स बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, इसका मीनिंग क्या है? देखो जो इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ लॉज जो है वो पास करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स है, ठीक है, तो स्टेप्स हमें यहाँ पे सजेस्ट किए गए कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. जैसे कि एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी लॉ बनने के पहले उसका ड्राफ्ट वर्जन बनता है, ठीक है. व्हाट डू मीन बाय ड्राफ्ट? ड्राफ्ट मतलब रफ वर्किंग, ठीक है. इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है. हर लॉ बनने की कहानी ऐसी है, कोई भी लॉ जब बनता है तो वो एकदम से फाइनलाइज नहीं होता है, वो पहले उसका ड्राफ्ट वर्जन बना जाता है, उसमें काफी सारे चेंजेस किए जाते हैं, ठीक बात है. तो यार क्या लिखा, देखो, अथॉरिटी शाल पब्लिश ड्राफ्ट, ठीक है. तो क्या होगा, जो भी लॉ मेकर्स है वो क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट बनाएंगे. ओके, ड्राफ्ट मतलब अगेन रफ वर्क. अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन शाल बी इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट. पब्लिकेशन का मीनिंग क्या है बच्चों, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है. कुछ कुछ लॉज को आपको पब्लिकेशन के बाद ही आपको ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली पब्लिकेशन क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, लॉज हम लोग बनाते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को लॉज जो है वो फॉलो करके उन्हें फायदा मिले. सही, सोसाइटी में लॉज जो बनते हैं वो पब्लिक के लिए बनते हैं, सोसाइटी के लिए तो लॉज बनते हैं, सही बात है. तो बच्चों देखो क्या होता है, जो अथॉरिटी लॉ बना रही है पहले उसको ड्राफ्ट बनाना है, रफ वर्किंग हो गया. तो अब आपको क्या करना है, ये जो ड्राफ्ट आपने बनाया है ये आप पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक डोमेन में रखो. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि पब्लिक जो है वो पढ़ेगी कि कौन सा कानून आने वाला है, उसके प्रोविजंस क्या है, सही बात है. तो यहां लिखा है पब्लिकेशन शैल बी इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट. ओके, अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, नोटिस टू बी पब्लिश्ड विद ड्राफ्ट विच शैल मेंशन द डेट फ्रॉम विच ड्राफ्ट शैल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. ये नोटिस आपको लोगों को देना पड़ेगा. क्या नोटिस देना पड़ेगा कि देखो हमने ये ड्राफ्ट बनाया है, और बच्चों ये नोटिस देने का इंटेंशन ये होता है कि ताकि लोगों से हम लोग सजेशंस या कुछ रिकमेंडेशंस जो है, लोगों की कुछ ऑब्जेक्शंस जो है वो हम लोग इसको एक्सेप्ट करके ड्राफ्ट में चेंजेस ला सके, ठीक है. अगला पॉइंट वही लिखा बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा है ऑब्जेक्शन ऑब्लिक सजेशंस शैल बी कंसिडर्ड. यानी कि हो सकता है ना कि जो ड्राफ्ट बना है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कुछ सजेशन दिए, कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शंस रेज किए. तो ये सजेशंस और ऑब्जेक्शंस जो लोगों से मिलते हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में रखा है, क्योंकि नोटिस दिया लोगों को, ठीक है, तो अब ये जो सजेशन जो ऑब्जेक्शन मिलते हैं लोगों से, इनसे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं ड्राफ्ट में. और ड्राफ्ट में जो भी चेंजेस हो जाएंगे ना, इसके बाद हम लोग फाइनली ऐसा लॉ बनाएंगे जो अब हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे कि देखो हमने लॉ सही ढंग से पास किया. यहाँ लिखा है पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट. बच्चों ऑफिशियल गजट में
जब भी हम लोग पब्लिश करते हैं इट मीन्स नाउ इट इज फाइनलाइज्ड, यह फाइनल हो चुका है, यह ड्राफ्ट के फॉर्मेट में नहीं है या रफ वर्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें हमने चेंजेस लाए और अब इसे हम लोगों ने फाइनलाइज किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब ये ठोस सबूत है कि हमने जो लॉ बनाया है वो हम लोगों ने ढंग से बनाया, सारे स्टेप्स को हम लोगों ने फॉलो किया, ठीक बात है। तो जो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ सकता है बहुत बार, फिर प्रोसीजर लिखा गया है सेक्शन 23 में, ओके। तो क्या क्या है इसके प्रोसीजर्स, वेरी सिंपल, ड्राफ्ट बनाओ पहले, तो ड्राफ्ट इज रफ वर्किंग, पब्लिकेशन हमें देना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा लोगों को कि हमने ये पब्लिश किया इस तरीके से, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्शन या सजेशन हम लोगों से एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेंजेस लाके अब फाइनली अगर हम लोगों ने पब्लिश कर दिया उसको ऑफिशियल गजेट में, मतलब ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब ये पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट और हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए, ओके। सो दिस इज अगेन गिवन इन सेक्शन 23। चलो ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टेप्स, राइट, मॉडल में लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको समराइज करके लिखा है, ठीक बात है। तो आपको ये लर्न होता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, और ये अगेन दिस इज वेरी इजी। क्या लिखा है यहाँ पे, कंटिन्यूंस ऑफ ऑर्डर्स ईटीसी इशूड अंडर एनैक्टमेंट रिपील्ड एंड रीएनैक्टेड, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या होता है, देखो बहुत सारे लॉज जो एनैक्टमेंट मतलब लॉ, ठीक है, बहुत सारे लॉज जो ना वो क्या होते हैं, वो रिपील होते हैं और उन्हें फिर से हम लोग रीएनैक्ट करते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट की बात हो गई, ठीक है। कंपनीज एक्ट पुराना एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 1956 वाला, कंपनीज एक्ट 1956 वाला पुराना एक्ट है, और नया एक्ट कौन सा है, नया एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अच्छा तो ये सिंपली क्या बोल रहा है, ऑर्डर्स वर पास, मान के चलो पुराने एक्ट में कोई ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट ने, ट्रिब्यूनल ने, जो भी है, ठीक है। तो अब ये पुराना एक्ट तो चला गया और इसके जगह तो नया एक्ट आ गया, ठीक बात है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये जो ऑर्डर्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं ये कंटिन्यू रहेंगे इवन इफ न्यू एक्ट रिपील्स द ओल्ड एक्ट। बच्चों ये तो आपको एकदम सिमिलर साउंड करता रहेगा क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी सेक्शन 6 में इसी तरीके के पॉइंट्स सीखे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई नया एक्ट जो है वो पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है, रीएनैक्ट किया जा रहा है, रिपील करके रीएनैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि नया एक्ट क्या कर रहा है, नया एक्ट पुराने के प्रोविजन को चेंज कर रहा है, ठीक है, और पुराना एक्ट जो है वो अब पूरी तरीके से रिपील हो चुका है। तो अब ये बोल रहा है, ये सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है, देखो क्योंकि पुराने एक्ट में जो ऑर्डर पास हो चुका है इसे चेंज नहीं करना है क्योंकि नया एक्ट आ गया, ठीक है, तो ये चेंज नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी पुराने एक्ट में पास हो चुका है। सो दीज ऑर्डर्स विच वर ऑलरेडी पास इन द ओल्ड एक्ट शल कंटिन्यू इवन इफ न्यू एक्ट रिप्लेस द ओल्ड, ठीक है। बच्चों इसमें कुछ भी दम नहीं है बिकॉज दिस इज साउंडिंग सिमिलर टू सेक्शन 6, ठीक बात है। अच्छा और देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, अगेन वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 25, इसका नाम है रिकवरी ऑफ फाइंस, बहुत आसान सा सेक्शन है, ठीक है। बच्चों आपने कंपनीज एक्ट में इतने बार पढ़ा होगा, हर सेक्शन के नीचे अलग से प्रोविजन होता है पनिशमेंट का, ठीक है, कि आपको इतना इतना पनिशमेंट भरना पड़ेगा, इतने साल की जेल होगी, जो भी है, ठीक बात है। सेबी में भी होता है बच्चों, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं, निगोशियबल एक्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक्ट में प्रोविजंस दिए जाते हैं कि अगर आप ये सेक्शन फॉलो नहीं करोगे तो आपको इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। बट बच्चों अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सेबी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, निगोशियबल एक्ट हो गया, इसमें जो भी पेनल्टी के प्रोविजन दिए इसमें है ना बहुत सारी जगह पे तो क्लैरिफाई किया नहीं है कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करना है, ठीक बात है। बच्चों सिंपल चीज है, अगर मान के चलो कोई डायरेक्टर ने गलत काम किया और उसको करोड़ों रुपए का पेनल्टी भरना पड़ रहा है, बट वो बोल रहा है उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करना है, पैसा नहीं है तो पैसा रिकवर कैसे करना है, ये सेक्शन 25 बता रहा है, ठीक है। बच्चों सेक्शन 25 हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट में पैसा रिकवर करने का तरीका नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे इंडियन पेनल कोड और प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 63 से 70 इतने सेक्शंस को अप्लाई करेंगे। ये क्या है आपको पहले क्लियर करता हूँ। बच्चों देखो इंडियन पेनल कोड और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है, ठीक है। अपने कंट्री में जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ना इनके लिए लॉज बने, ठीक बात है। बच्चों आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना ये एकदम मेन लॉज है, ठीक है, और ये लॉज के सेक्शन 63 से 70 इतने सेक्शंस हमें बताते हैं कि किस तरीके से कोई पर्सन से फाइन वसूल किया जा सकता है। तो अगर क्या करना है, अगर मान के चलो कंपनीज एक्ट में लिखा ही नहीं है कि डायरेक्टर से किस तरीके से पेनल्टी वसूल करना है,
तो क्या कर रहा है? तो कंपनीज एक्ट अगर नहीं मेंशन करता है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 25 बोल रहा है आपको 63 से 70 आईपीसी का और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे। अभी ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है बच्चों, सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक एक्ट है इंडियन पेनल कोड, और इसके सेक्शन जो है वो हमें क्लैरिफाई करते हैं कि किस तरीके से कोई पर्सन से पैसा वसूल किया जा सकता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, कैसे प्रॉपर्टी को बेच के पेनल्टी का पैसा वसूल करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखे गए। तो ये जो एक्ट है जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 25 इन सेक्शंस को रेफर करने के लिए बोल रहा है। तो कंपनीज एक्ट में अगर नहीं लिखा है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट रेफरेंस दे रहा है आईपीसी के 63 से 70 इस सेक्शन को और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोविजंस को। ठीक बात है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसमें ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं बता रहा यहां पे। ठीक है, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं बच्चों, यहां पे देखते क्या लिखा है। अच्छा बच्चों आगे के पॉइंट्स बहुत इजी है, ठीक है, दो तीन ही सेक्शन यहाँ पे मेजरली बचे हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर टू और मोर एनैक्टमेंट्स सेक्शन 26, बहुत बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, देखो अगर मान के चलो सपोज कोई पर्सन ने गलत काम किया है एक एक्ट में नहीं दो तीन एक्ट में सपोज, ठीक बात है, जैसे कि बच्चों कुछ एक्ट एकदम कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज से कोई बैंकिंग कंपनी है एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड इट इज अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो बच्चों इसे कौन से एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे? देखो इसको तो सबसे पहले तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, ओके, सेबी एप्लीकेबल हो जाएगा, सही बात है, लिस्टेड कंपनी तो सेबी भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा, सही है। अच्छा बच्चों तो अभी देखो एग्जैक्टली क्या होगा, अगर मान के चलो कोई डायरेक्टर है और इस डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया और इतना गलत काम था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पेनल्टी के प्रोविजंस लिखे हैं, कंपनीज एक्ट में पेनल्टी के प्रोविजंस लिखे हैं, सेबी में भी पेनल्टी के प्रोविजंस लिखे हैं, डायरेक्टर एक है इसने गलत काम किया और वो गलत काम जो है उसका लेवल इतना बड़ा था कि इसे इस गलत काम के लिए तीनों एक्ट्स में पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक बात है बच्चों, अगर ऐसा होगा तो क्या ये तीनों भी एक्ट के पनिशमेंट इसे सहन करने पड़ेंगे? मान के चलो यहाँ पे लिखा है 5 साल का जेल, यहाँ पे लिखा है 2 साल का जेल, यहाँ पे लिखा है 3 साल का जेल, तो इसका मतलब क्या है 5 + 2 + 3 मतलब क्या 10 साल जेल में रहेगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां वही लिखा है जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलेगी बट हम लोग इसकी सजा को ऐड नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है, ऑफेंडर शल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस और थ्राइस, जो भी है। ठीक है, तो दो तीन बार इसे अलग अलग एक्ट में पनिशमेंट मत दो, सही बात है। अगर हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अगर ये सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये 5 साल का जेल अगर इसको लग गया तो ये ऑटोमेटिकली ये दो भी एक्ट के प्रोविजंस कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बच्चों इसका मीनिंग ऐसा निकाला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन गलत काम करता है और अलग अलग एक्ट में उसके गलत काम के लिए प्रोविजंस बने हुए, ठीक है, तो हम लोग इसे दो दो तीन तीन बार अलग अलग बार सजा नहीं देंगे। जिसने गलत काम किया है उसको सजा मिलेगी बट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। ठीक बात है बच्चों, देयर इज अ जोक अबाउट दिस, ठीक है, कि अगर मान के चलो एक पर्सन ने एक इंसान का खून किया तो उसको फांसी की सजा हो रही है, तो अगर चार इंसान का खून करता है तो 4 बार फांसी की सजा नहीं होगी, ठीक है ना। सो कॉमन सेंस यहाँ पे क्या बोलते हैं हमें, अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको दो दो तीन तीन बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 26, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है बच्चों, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर ऐसे सच में हो गया है तो इसके तो बैंड बच जाएगी ना, ये 5 साल 2 साल 3 साल 10 साल जेल में रहेगा। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई किया सेक्शन 26 में, गलत काम अगर आप करते हो आपको कोई एक एक्ट में ही सजा सहन करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा बच्चों देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन जो लिखा है वो है सेक्शन 27, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। अच्छा बच्चों आपने इतने बार कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट से भेजना है, आप लोग देखते हो बच्चों नोटिस हम लोग पोस्ट से भेज सकते हैं, ठीक बात है, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजने पड़ते हैं पोस्ट से, राइट। तो एग्जैक्टली सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है? जब भी कोई लॉ में सर्विस बाय पोस्ट लिखा गया है तो हम लोग इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बच्चों। देखो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट से सर्व करने के लिए कोई लॉ बोलता है तो आपको तीन चीजें करनी है,
और ये तीन चीजें आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको पोस्ट से कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। कौन से तीन चीजों का ख्याल रखना है? एक तो आपने सही तरीके से उस पे एड्रेस लिखना चाहिए। तो अगर कंपनी को कोई चीज पोस्ट से भेजना है तो कंपनी क्या करना चाहिए, कंपनी ने सही तरीके से एड्रेस उस पे लिखना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है प्रीपे होना चाहिए। प्रीपेड मतलब जो सेंडर है उसी ने पहले से पूरा पैसा भर देना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी भेज रही नोटिस मेंबर्स को पोस्ट से, तो कंपनी अगर नोटिस पोस्ट से भेजती है बच्चों तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कंपनी ने ऑलरेडी पोस्टल डिपार्टमेंट को पैसा दे देना चाहिए पोस्ट से भेजने का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मेंबर के घर पे चिट्ठी पहुंचेगी, नोटिस मिलेगा मेंबर को, मेंबर को अपने पॉकेट से भरना पड़ रहा है, मेंबर बोलेगा मैं क्यों भरूं, ठीक है ना। तो इसलिए क्लैरिफाई ऑलरेडी किया लॉ मेकर ने, यहाँ पे लिखा है आपको सही एड्रेस लिखना है, आपको सही तरीके से पैसा पे कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा कि सेंडर शाल पे। और लास्ट का लिखा है पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आप इसको भेजोगे, ठीक बात है। रजिस्टर्ड पोस्ट ट्रस्टेड होता है बच्चों, इसलिए रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप अगर भेजोगे तो ही हम लोग मानेंगे कि आपने सही तरीके से पोस्ट किया है, ठीक है। अगेन तीन चीजें, प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रीपे होना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट ही आपने इसको सेंड करना चाहिए। बेसिकली तीन पीस का आपको ख्याल रखना है, प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रीपेड एंड पोस्टिंग मस्ट बी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। सो दिस इज अगेन गिवन इन सेक्शन 27। और बच्चों हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो ऑर्डिनरी टाइम लगता है पोस्ट को मिलने में उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स में, यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, ऑर्डिनरी कोर्स में जो टाइम लगेगा उस टाइम में मिल चुका है ऐसा हम लोग डीम करेंगे, ठीक बात है। जितना टाइम लगता है ऑर्डिनरी कोर्स में कोई पोस्ट को पहुंचने में उतना टाइम लगेगा और उतने टाइम में मिल चुका है ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, भले ही नहीं मिला है बट हम लोग मान के चलेंगे ये मिल चुका है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी सही तरीके से भेजने की है। बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं, अगर कंपनी ने प्रॉपरली एड्रेस किया है, सही तरीके से पैसा भरा है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। सामने वाले को नहीं मिल रहा है तो ये अब इसमें कंपनी की गलती नहीं होगी। कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी देखो हमने तो एड्रेस सही लिखा है, हमने पैसा भी पे किया था और हमने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हमने सही काम किया भेज के। अब आगे बीच में अगर रस्ते में उसके साथ कुछ होता है और अगर मान के चलो वो नोटिस आपको नहीं मिलता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम लोग ये मान के चलेंगे, डीम करेंगे कि ऑर्डर ही कोर्स में आपको मिल चुका है, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये तीन चीज करनी है, ठीक है। सामने वाले को मिलो या मत मिलो इसमें अब आपकी कुछ गलती नहीं मानी जाएगी, ओके। अच्छा बच्चों और क्या लिखा है यहाँ पे, साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट्स सेक्शन 328, ओके। तो बच्चों ये सीरीज में एकदम बीच में से ही ये सेक्शन 328 आ गया, साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट्स। आपको इसका टेक्स्ट अगर पढ़ना है तो आप मॉडल से पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज को क्लियर करता हूँ, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बच्चों साइट करना मतलब क्या, साइट करना मतलब कोट करना या रेफरेंस देना, ठीक है। साइट करना मतलब टू कोट और टू रेफर, ठीक है। अच्छा इसका मीनिंग है साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट्स मतलब क्या होता है, बच्चों देखो बहुत बहुत इजी है, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे एक्ट जो है ना वो दूसरे एक्ट के कोई सेक्शन को रेफर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ये टर्म जो है ना कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, कंपनीज एक्ट क्या कर रहा है, कंपनीज एक्ट जो है वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को रेफर करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो बच्चों अभी एग्जैक्टली क्या होगा बताए, अगर मान के चलो कोई लॉ ने अगर कोई दूसरे एक्ट के कोई सेक्शन का रेफरेंस दिया है तो इसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं साइटेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जब भी कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज वर्ड आएगा तो हम लोग मीनिंग कहां से निकालेंगे, मीनिंग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो स्पेसिफिक सेक्शन में सिक्योरिटीज का डेफिनेशन दिया है उसको हमें रेफर करना है, ठीक है। तो साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट यही क्लैरिफाई करता है, जब भी कोई एक्ट कोई दूसरे एक्ट के कोई स्पेसिफिक सेक्शन को साइट करता है तो हमें सिर्फ वो स्पेसिफिक सेक्शन को ही पढ़ना है, पूरे एक्ट को नहीं पढ़ना है। जैसे कि सिक्योरिटीज जो है इसका डेफिनेशन सिकरा में लिखा है, तो सिकरा में जो सिक्योरिटीज का डिफाइन किया जो सेक्शन में वही सेक्शन रेफर करना है, पूरा एक्ट रेफर मत करो, ठीक बात है। तो ये चीज यहां पे लिखी है बच्चों इस तरीके से,
ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इनफैक्ट साइटेशन का एक और क्लासिक एग्जांपल क्या है, ये अब भी हमने किया बच्चों, कहां पे किया है ये देखो, ये हमको क्या पढ़ रही है, सेक्शन 25 कौन सा एक्ट का है, द जनरल क्लॉजेस एक्ट का है। जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 25 जो है साइट कर रहा है 63 से 70 ऑफ आईपीसी। तो मैं आईपीसी पूरा रेफर नहीं करना यहां पे सेक्शन 25 के लिए, सिर्फ 63 से लेकर 70 इतने ही सेक्शंस रेफर करने हैं। इसे हम लोग कहते हैं साइटेशन, मतलब रेफरेंस देना। ठीक बात है बच्चों, इसको लीगल लैंग्वेज में साइटेशन के टर्म से हम लोग यहां पे इंडिकेट करते हैं। ओके, साइटेशन मतलब कोट करना या रेफर करना। तो यहां पे बहुत बार अलग अलग एक्ट्स दूसरे एक्ट के कोई स्पेसिफिक सेक्शन को साइट करते हैं, कोट करते हैं। ओके अच्छा, और यहां पे देखते हैं बच्चों एग्जैक्टली क्या लिखा है, सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स रूल्स एंड बायलॉज सेक्शन 29। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल बच्चों, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिससे आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, सेविंग फॉर मतलब क्या, सेविंग फॉर मतलब बच्चों देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार अगर मान के चलो कोई एक्ट बना है, ठीक है, और ये एक्ट जो है बच्चों मान के चलो इसमें कोई 400 सेक्शंस है, लॉ मेकर को लगता है कि एक और नया सेक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 401 ये नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट किया, एक और सेक्शन इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो बच्चों अभी क्या होता है, अभी देखो इसका मीनिंग क्या निकलना है, अगर कोई लॉ में एक नया सेक्शन ऐड होता है तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब पुराने वाले सेक्शंस रहेंगे क्या, जी हाँ, इसमें तो बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई नया सेक्शन ऐड होता है इसका मीनिंग क्या निकालना है, इसका मीनिंग है कि पुराने सेक्शंस तो जैसे के वैसे है, ये और नया सेक्शन ऐड हुआ है, दिस इज एडिशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग फॉर, सेविंग फॉर मतलब ये पहले के पॉइंट सेव हो गए, 400 सेक्शन सेव हो गए, अब एक नया सेक्शन और ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग फॉर प्रीवियस एनैक्टमेंट्स रूल्स एंड बायलॉज। ये हम लोग कब यूज करते हैं बच्चों, देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मान के चलो सपोज कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सपोज मान के चलो कोई एक्ट का सेक्शन 40 है। ठीक है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स, सेक्शन 40 में बहुत सारी चीजें लिखे गए थे, इसमें सपोज 1, 2, 3 इतने पॉइंट्स थे। अभी क्या हो रहा है, अब मान के चलो नया पॉइंट फोर्थ वाला अमेंड हुआ है और इंसर्ट हुआ है, ये एड हो गया। तो अगर सेक्शन 40 के तीन पॉइंट्स थे, तीन सबसेक्शंस थे और एक नया सबसेक्शन ऐड होता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, बहुत बार सेव एज लिखते हैं, सेव एज मतलब देखो पहले के तो है, पहले के तो एज इट इज है, ठीक है, और ये नया पॉइंट अब हम लोगों ने सिर्फ ऐड किया है। ओके, सो बच्चों बहुत बार सेव एज ये वर्ड लिखते हैं, सेव एज मतलब पहले के पॉइंट्स जैसे के वैसे हैं और हमने अब सिर्फ एक नया पॉइंट ऐड किया है। ओके, तो बच्चों जब भी लॉ मेकर कोई चीज को अमेंड करते हैं और सेव एज लिख के चालू करते हैं, तो इसका मीनिंग ये निकालना है कि देखो पहले वाले पॉइंट्स हमने इंटैक्ट रखे और ये वाला पॉइंट हमने सिर्फ अभी नया इंसर्ट किया है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 29। और लास्ट बच्चों, ये तो बिल्कुल मेरे को ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस सेक्शन 30। तो बच्चों देखो, मैंने आपको ऑर्डिनेंस ही वर्ड का मीनिंग बताया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस मतलब अगर पार्लियामेंट कोई दिन बंद है, ठीक है, और उस दिन हमने कोई लॉ बना दिया है और जब वापस पार्लियामेंट चालू होता है और बाद में हमने परमिशन लिया है पार्लियामेंट का, तो ये पहले ऑर्डिनेंस था और अब एक्ट बन गया। ठीक है, तो ऑर्डिनेंसेस किसको बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेंसेस मतलब ये लॉ तो है बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ठीक है, और जब पार्लियामेंट का परमिशन मिलता है तो हमें इसे अब पूरी तरीके से एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो ऑर्डिनेंसेस को भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, द जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑर्डिनेंसेस को भी इक्वली एप्लीकेबल होगा, जिस तरीके से सेंट्रल एक्ट को लगता है वैसे ऑर्डिनेंसेस को भी एप्लीकेबल है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 30। एंड बच्चों यहां पे इस तरीके से हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट के सारे सेक्शंस को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है और अगर आप लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया है और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को ये शेयर भी कीजिएगा। ठीक बात है, ओके, तो बच्चों मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो में जहां पे मैं इसी तरीके से लॉ के कोई दूसरे एक्ट को एक्सप्लेन करूंगा।